लाइव चलें अस्सलाम जी मैच वालेकुम। नंबर वन। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम भाइयों, कैसे हो? आई होप ऑल इज़ गुड। प्लेइंग मारखोर कप एट मिडनाइट पाकिस्तान टाइम अराउंड 12। आई हाँ गेस दैट्स दैट विथ मी सिर्फ एज फोकस करते हैं। आई थिंक लेट्स कट द क्रैप। सो ओके। वी हैव दरियाब एंड रेबल निंजास हियर एज यू कैन सी। और सिप्स के बारे में क्या ख्याल है? सिप्स के इथोपियन और बारे सैरसन को में बहुत हाई प्रायोरिटी दी गई है इधर। आई मीन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक्स। अरेबिया, राइट? चैट पढ़ो, चैट में डेकेट कह रहा है देयर इज एन अर्थक्वेक ऑन फिजांस माइक। या मैंने बोला था कि स्टैटिक होगा, हेडफोन्स चार्ज हो रहे हैं, बर्दाश्त करो, ओह नो। पाकिस्तानी हो। एनीवेज, ओके, या सो अरेबिया, ओके क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए सिर्फ देख के? अरेबिया जैसे कि देख रहे हैं हम बड़ी ट्रायड पिक्स की हैं इन्होंने, लाइक फ्रैंक्स इथोपियंस एंड क्यूमंस, दूसरी साइड में सैरसन मैगियार एंड कोरियंस। बट कोरियंस थोड़ी ये क्यूमिक वैसे ऑर्डर में नहीं है, ये फर्स्ट 3 पिक्स अरेबिया के लिए नहीं है, इनमें से कोई भी पिक्स अरेबिया के लिए हो सकती है। यस यू राइट। बट देखने में क्या ख्याल है तुम्हारा कि ज़रिया खुद कौन सी टीम पिक करेगा? सिर्फ थिंक्स क्यूमन बूम अरेबिया। द या काइंड यू हैव टू क्वेश्चन इज के फ्लैंक पे करेगा या पॉकेट पे करेगा, क्योंकि सुल्तान भी लव्स हिज पॉकेट। कुड बी। ज़रियाब की टीम में कौन कौन है? ज़रिया की टीम में ज़रियाब, सुल्तान सुल्तान। एंड वलक। ओके, ज़रियाब, सुल्तान भाई एंड वलक। एंड टीम रेबल्स में हमारे हैं सोड, फिनोर एंड और यलगार। यलगार। काफ़ी अच्छी टीम है निंजास की, आई वुड से। हाँ हाँ बड़ी एंड सॉलिड टीम है, लाइक ईगल्स के वन लिए ऑफ द थोड़ा, फेवरेट, वन ऑफ द जी फेवरेट जी प्रोबेबली। एग्जैक्टली, ईगल्स के लिए थोड़ा सा टफ थोड़ा मैचअप टफ टाइम होगा। देंगे बट अगेन लाइक जो कैप्टन है सोरिंग ईगल्स का जरिया आप वो काफी कर सकता है पनिश। सो पोजीशनिंग वाइज देखे जाए कि या तो सुल्तान भाई या वलक को पॉकेट खिलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अगेन, अगर वलक पॉकेट आ गया तो फिर भी इनके फ्लैंक्स फिर स्ट्रांग हो जाएंगे। सुल्तान भाई भी कर लेता है होल्ड, हावेवर अगर वलक्स फ्लैंक पे आया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सी सेव दे रहे हैं। अगर वो फ्लैंक है, ज़रियाब भाई भी पॉकेट हो सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ थ्री ऑफ दीज दे लाइक टू बूम इंस्टेड ऑफ पुश फ्लैंक। यही एग्जैक्टली। बड़ा लाइक मजे का प्ले स्टाइल देखने को मिलेगा हमें। और दूसरी टीम की बात की जाए तो लाइक वो तीनों बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं और तीनों लाइक यस, सॉलिड। और वो आई लाइक मीन हम जानते तो हैं यलगार भाई, उफ तौबा, अन्नी मचा देते हैं जब वो पॉकेट पे और नाइट सिर्फ खेल रहे होते हैं। सो काइंड ऑफ फेवर में करूँगा यलगार भाई एज पॉकेट को। एंड राफे काफ़ी अच्छे फ्लैंक भी हैं, एज वेल एज आपके
क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट की हमने गेम इतनी नहीं देखी है, सो थोड़ा सा सरप्राइज भी हो सकता है। बिल्कुल एनीवेज जैसे ही लॉबी कोड मिल जाएगा तो हम इन गेम लाइव स्पेक्टेट करना शुरू कर देंगे। मैं बिल्कुल। ज़्यादा तो और आपको हम बताते चलें, इस टूर्नामेंट में लेमिंग के हिसाब से कोई रूल्स नहीं है। लाइक मिनट वन से एक्शन हमें देखने को मिलेगा। बड़ी नाइस नाइस ओके लेट्स बात है, डेडलॉक सी। नाइस बोल रहा है। नहीं मैं लेम हूँ मुझे मसला है, कोई और एक दूसरे को लेम करे मुझे कोई मसला नहीं है काका। अनलेस वो बोर मेरे पास ले आ रहे हैं लेम करके फिर मुझे मसला है। कार्टून्स लॉबी कोड कुड यू सेंड ऑन मैं डिस्कॉर्ड। सेंड कर देता हूँ। स्टार्टेड है या अभी वो लॉबी पे बैठे हैं? पार्डन लॉबी में सर। बैठे हैं, स्टार्ट नहीं भी हुआ। अच्छा लॉबी में बैठे हैं। ओके ओके सो ओवरऑल जैसे ही गेम स्टार्ट होगी हम कर लेंगे। वेयर एज सेव्स वाइज देखी जाए किसकी सेव्स इधर आपको बेहतर लग रही हैं, किस टीम की? यार, सिर्फ बहुत लाइक हेड ऑन हेड एंड सिर्फ मैं कहूँगा, बट अगर प्रेफरेंस की बात है तो गेन मैन लाइक आई थिंक राफेल की सेव्स को प्रेफर करूँगा, वाई क्योंकि इनकी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सेव्स हैं। लाइक अगर ह्यूमंस पॉकेट है तो वो भी डेंजरस है, ह्यूमन फ्लैंक पे घूम करेगा वो भी डेंजरस है। एक्चुअली वो ईगल्स की टीम है, निंजाज राफे की टीम है, सो यू यस 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 एग्जैक्टली, सोरिंग ईगल्स एंड रेबल निंजास। ओके जरियाब। हाँ आई गेस हमें वेट एंड सी करना पड़ेगा जैसे ही गेम स्टार्ट हो। क्यूमन एक सही एस्पेक्ट कह रहे हुआ हो, करीब। अरेबिया का, हाँ दूसरा क्या प्रेफरेंस होगी? चलो लेट्स से क्यूमंस की वजह से आप अरेबिया जीत जाते हो, आप क्या कहोगे अरेबिया किस सिफ की वजह से आप जीत सकते हो अगर आप निंजाज हैं? अरेबिया आप किस तरह जीत सकते हो? आई वुड से बर्गंडियंस पॉकेट में भी, और मैगियर पॉकेट, हो लाइक इन सकता दोनों है। में से किसी का पॉकेट होना चाहिए। हाउ अबाउट ओके मैच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गए। ऑलराइट ऑलराइट लॉबी नेम स्पेक्टेटर में 11 लिख लो तो आ जाएगा। कोड तो है ना उससे देख लेते कोड हैं भी है। ये लॉबी सर्च करने में एक तो 10 घंटे लगा लेते हैं। आ जाना चाहिए। ओके आ गया। सो लेट्स हेड इन। मैं एक्चुअली मुझे कैप्चर एज पे चलाना है पहले और फिर वहाँ से मैं करता हूँ लाइव। ओके ये कैप्चर एज से स्टार्ट हुई, सीन ऑन कर देते हैं एंड वेट स्क्रीन कैप्चर तो मैं सेट कर लूँ, कैप्चर एज की है नहीं सो बैड। हेलो स्क्रीन कैप्चर, हेलो स्टार्ट, हेलो हाँ रिवर्स। नहीं ओके स्टार्ट हो गई एक्चुअली स्क्रीन कैप्चर जो है इन्हें ओके देखता यार सच, हमें हूँ। क्यूमन देखने को नहीं मिली। वेरी सैड आई इंडीड। वाज होपिंग फॉर क्यूमन्स बट इट्स फाइन। हाँ स्ट्रीम चेंज हुई, होगी, वी गुड? कैप्चर इट श्योर। यप मैं जरा देखूँ कुछ और तो नहीं चल रहा पीछे बैकग्राउंड में जिसकी वजह से उड़ जाए मेरा सीपीयू बैठे बैठे। ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट विद द निंजास। उनका पॉकेट अपेरेंटली फी नोर पॉकेट आया ओके विद एंटी मैगियर्स। जैगियर्स खेल रहे हैं, साथ साथ हैं उनके सोर्ड राइट फ्लैंक पे एंड यलगार भाई लेफ्ट फ्लैंक पे। ऑपोजिट साइड पे यलगार भाई से स्टार्ट करते हैं, ऑपोजिट साइड पे उनके हैं जरियाब भाई जो कि खेल रहे हैं इथियोपियंस। इथियोपियंस वर्सेस टटार्स, दैट्स एन इंटरेस्टिंग मैचअप। और जैसे कि हम देख सकते हैं, सुल्तान भाई पॉकेट एज यूजुअल,
जरिए आपको नहीं लेने दी पॉकेट। फॉर सम रीजन मेरी गेम स्टटर कर रही है। अर्ली लेमिंग का तो कोई सीन नहीं नजर आ रहा अभी तक। लेमिंग का सो फार तो नहीं नजर आ रहा, सब अपनी बिल्ड्स पे फोकस है। सो साउथ साइड ने वाइकिंग ली है और सोर्ड ने सैरसन लिया। साउथ साइड पे सैरसंस वर्सेस वाइकिंग्स है, नॉर्थ साइड पे आपका है टटार्स वर्सेस इथियोपियंस, वेयर इज सुल्तान भाई अंकशा वो फ्रैंक पॉकेट खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं पॉकेट फ्रैंक्स के साथ एंड भूमि सेठ के साथ सुल्तान भाई। या एग्जैक्टली अनक्वेश्चनेबल है कि वो टीम को ना हराएं। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ रेज होता है कि कौन सी फ्लैंक प्रिवेल करेगी। सो हमें तो ये पता है कि यलगार भाई जो है ना वो उनके लिए थोड़ा ये टेस्ट होगा क्योंकि वो एक टीएम प्रोफेशनल के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं जरियाब भाई अदरवाइज नोन एज ओरिजिनल, उनके ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। सो काइंड ऑफ उनके लिए थोड़ा सा ये टेस्टिंग फेज होगा। वेयर इज आई बिलीव सोर्ड जो है वो वलक को डोमिनेट कर सकता है कंसिडरिंग उनकी सजेशंस भी हैं। हाँ क्रीटो कह रहे हैं कि थोड़ी आवाज तेज कर लो, लाइक आई थिंक तुम्हारी वो चैट पे कह रहे आई थिंक मेरा माइक फुल है एक्चुअली वो 390 लोअर बाय 90 लोअर बाय सो वेयर डिड वी मिस दैट। अच्छा ओह नो या सो फार नॉर्मल ही जा रहे हैं। केडी किसी की लूज तो नहीं हुई, इसमें तो कुछ हो ही नहीं होता, कोई किल्स कोई कुछ नहीं है, एक ही टीसी है, बेसिक स्टार्ट है। और वलक डियर भी पुश कर रहा है, इट्स नाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट द गेम। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इथियोपियंस वर्सेस टटार्स के। हु डू यू थिंक शुड विन? इथियोपियंस फॉर श्योर, इथियोपियंस अर्ली गेम में एटलीस्ट। ओ ओके बच गया, ही इज ओ माय गॉड एक्चुअली ये मरते मरते रह गया। मीनवाइल वलक फॉरवर्ड तो जा रहा है, मैं भी स्काउट कर रहा हूं। कोच कह रहा है थोड़ा माउस को लाइक मूवमेंट जो है वो ज्यादा ना हिलाओ। इवन मैं प्रोफेशनल नहीं हूं सो काइंड ऑफ अडैप्टिंग। सो फार बोर लोअर तो दोनों टीम्स का विदाउट एनी प्रॉब्लम्स हो रहा है। सच यहाँ भी सुल्तान भाई भी टीयर पुश कर रहे हैं जरियाब के पोर। मैप की अगर बात करें तो जरियाब का मैप को तुम प्रेफर करोगे या यलगार के मैप को? आई मीन लेट्स सी, उसके पास बैक कोल्ड है फ्रंट स्टोन है। मुझे तो ये भाई पे बहुत अजीब लग रहा है जो ओरिजिनल की बेस में ये प्रॉब्लम है। अनइवन, ये बहुत गंदी जगह है स्पेशली व्हेन यू हैव वेल एक्चुअली इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक तो इथियोपियन जब उनको सरप्लस गोल्ड मिलेगा जैसे ही वो ये जब करेंगे तो थोड़ा वो बेनिफिट होगा उस चीज का। इधर हम देख रहे हैं जरिया बीइंग एन अवॉइड एंड एन हिंड्रेंस, काफी एचपी भी लूज कर ली स्काउट की। और फिनोर हाउस तो इस टाइम ओके नहीं, नेवर माइंड 20 पॉप अप जा रहा है। हाउस तो बनाना पड़ेगा सो फार अभी तक फास्टेस्ट अब तो फिनोर ही गया है कंसीडरिंग वो फ्यूडल अप भी होने वाला है। हाँ एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा टाइम है, 1920 काफ़ी रिलायबल टाइम होता है। मैप भी फिनोर का देखा जाए सुल्तान भाई के मुकाबले में आई थिंक फिनोर का थोड़ा बेहतर है। काइंड ऑफ सुल्तान भाई काफ़ी हिली एरिया पर है, बल्कि इवन ही है लाइक थोड़ा सा सुल्तान भाई के बैक पे ओपन है बट आई वुड से इवन है। और वलक अर्ली वॉलिंग व्हिच इज एक्चुअली नाइस मूव बाय वलक, आई लाइक इट विद वाइकिंग्स लाइक आप पास व्हील बैरो है फ्री में, आप वॉल करें डिफेंसिव के लिए, नो नीड टू पुश, अपने नंबर्स जो है ना उन्हें प्रिजर्व रखें बस। बट व्हाट्स द पॉइंट, सामने सैरसन है, डोंट यू थिंक सैरसन खा जाएंगे वॉल्स? दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। यहाँ पे एक स्काउट फाइट हो रही है हेल ओवरटेक करके। बॉल का ये भी फायदा होता है ना आपको पता, एंगल ऑफ अटैक पता चलता है, लाइक आप बॉल्ड हैं तो आपको प्रीएम्प्टिवली पता चल जाता है कि आर्मी किधर है। बॉल ना तो सी भी एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। जी जी आप बोले, वॉल के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ मैं वही कह रहा था कि वॉल जो है वो लाइक आपको प्रीएम्प्टिवली बता देती है कि
एनिमी की आर्मी की तरह। और पॉज आ अपेरेंटली. गया। वेल, नथिंग मच टू से. सारा अभी तक तो स्टैंडर्ड ही आइडल है. टाइम्स होते हैं, नीचे जाओ जरा। एक्चुअली आइडल टाइम, या एक्चुअली यहाँ शो हो रहा है. 10 सेकंड। तो सुल्तान भाई के आइडल टाइम देखो, आइडल टीसी बिल्ड ऑर्डर्स प्रो एज ओह नो, यूजुअल ऑन पॉइंट। बाकी इट्स भी नॉट अ बिग डील, सोर्ड का थोड़ा सा कंसर्निंग है, लाइक एक विलेजर पीछे। काइंड ऑफ. सुल्तान भाई भी वेल वॉलिंग करना शुरू हो गया. ओह माय गॉड, प्लीज टेल मी ये पूरी इधर से वहां तक वॉल नहीं करेंगे. किसी तो कह रहे हैं सुल्तान में गालियां दे रहे होंगे। यस एग्जैक्टली। एक्सेक्ट. व्हाट्सअप 7th page। स्टोन गेट लगा रहे गोल्ड पे, और वलक ने अभी तक गोल्ड पे फिलिचर नहीं डाले। व्हाट, बैक गोल्ड है वलक का? एक्चुअली नहीं है ये, स्टोन गेट तो नहीं है, वुडन गेट है. दैट्स बैड। ब्रा आई थिंक टावर सही होगा वलक को गोल्ड पे। आई थिंक ओवर बेस्ट रिएक्शन है ये, क्या लगा तुम्हारा? वो मुझे ओवर रिएक्शन रिएक्शन लगा। नहीं है, वो बस उनको पता है. मे भी उनको इंस्ट्रक्ट किया गया होगा. फलक, होल्ड द डोर. ओके दैट वाज क्रिंज, प्लीज स्लैप मी इफ आई डू दैट अगेन. या सो नॉट फार गोना नो लैंड। नो एग्रेशन ऑन आइदर साइड. और सोर्ड को देखो वो स्टेबल बना रहा है रेंज के साथ। नहीं ब्लैक ब्लैक सोचता है, नेवर माइंड। प्रोकास्टर्स। प्रो ओके। कास्टर, कास्टिंग 101, वी ब्लाइंड फैम. और सो सुल्तान भी आगे नहीं जा रहे स्काउट लेके, लाइक वो वॉलिंग को प्रेफर कर रहे रेडी हैं। करके बैठे हुए हैं. आई मीन सही है। उनको जाना तो चाहिए, आगे जाएं, डैमेज और दें. जो है वो जा रहे हैं आपको सीधा। आप अपना एडवांटेज ऐसे लूज कर रहे हैं ये हरकत करके. राइट। और जरिया आपके पास 2 रेंजेस और 2 ही ऑन गोल्ड है, आई थिंक उससे थोड़े ज़्यादा चाहिए, बट वो फिक्स कर लेगा। I mean no aggression still. Okay, अब start हुई है fight. एक spear से उन्होंने, ओके फियोनॉर ने अपना scout भी मरवा दिया इतनी जल्दी. Yeah, you are Magyars, but come on, let's not get carried away. That's a spearman, pointy या boy, big stick. जलकार की तरह वॉल्स दिखाना। एक तो ग्रे कलर भी बहुत कैंसर है यार। वो पर्पल नहीं थे? वेट, नहीं कलर ग्रे चेंज हो शो गए? ओह ये नो, तुमने चेंज किया या ये आई ग्रे थिंक पे मैंने करें? किया था गलती से. अच्छा, मैं भी नहीं किया मैंने. सो मिलिट्री नंबर्स तो अपर फ्लैंक के यही हैं. 4 स्काउट्स फियनोर के पॉकेट के, एंड 5 स्काउट्स सुल्तान बादशाह के. और आर्चर नंबर फ्लेचिंग है। ओ फ्लेचिंग आर्मर भी आ रहा है, दोनों पास आर्मर भी आ रहा है। बड़ा नेक ऑन नेक का, लाइक डिपेंड करता है कौन अच्छी एंगेजमेंट लेता है। और ये स्काउट किया अभी तो एंगेजमेंट वाइज देखा जाए तो उसकी वो है। और ये आर्मी बड़ी आउट ऑफ पोजीशन है सुल्तान भाई और सरिया आपकी, लाइक थोड़ा ऑलराइट कोऑर्डिनेशन सॉरी मसला माय में बैड. नजर और आ ऊपर हिल पे, हिल है इनके पास बट वो सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहा. माइक्रो करके यलगार कर रहा है एक्चुअली. दिस इज काइंड ऑफ और ये सुल्तान भाई का फिक्र है, बहुत अच्छी राइट। फाइट है एक्चुअली इनके लिए. अगर हम साथ साथ नीचे देखने जाएं, सोर्ड भी आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड मूव कर रहा है, वेयर्स वलक ने अभी तक कुछ नहीं किया. आर्चर उसके बेस में है बट सही है, लाइक आर्चर नंबर्स हैं उस पर एटलीस्ट यार। ये दिस इज काइंड ऑफ वेरी बैड वो किया। और आज से नंबर देखे जाए अब ओरिजिनल पास कितने हैं और जलकार पास कितने हैं। एक टावर भी लगा रहा है वो अलग डिफेंड करने के लिए. आई थिंक ये एक बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन है. यू हैव अ सेफ वुड लाइन हियर एंड हियर, यू डिडंट नीड दैट, यू हैव आर्चर्स टू डिफेंड योरसेल्फ. बट एज हमने देखा ओरिजिनल और शाह शुरू में ही ट्रबल में है क्योंकि उन्होंने ओह माय बहुत गॉड बुरी फाइट ली थी. एंड सो सीधा सुल्तान भाई की बेस में जा रहा है। उसने वलक को कहा कि तुम लगाओ टावर, मैंने जाने नहीं है तुम पे। ओह वाओ, और सारे सेनार चल जाएंगे माइंड यू। दिस अब तो चीखे निकलेंगी सुल्तान भाई की. ये एक्चुअली बहुत वरिष्ठम फाइट्स ले रहे हैं. बैक फुट पे अभी से इन्होंने कर दिया है निंजास ने ईगल्स को. ओके आई एम नॉट गोना लाई, इट्स वियर्ड सेइंग निंजास वर्सेस ईगल. या बट आई थिंक इवन है, लाइक अभी जरिया आपने सम हाउ होल्ड कर लिए माइक्रो, अच्छा किया काफी.
बट होल्ड तो मसला कर लिया सुल्तान है बेग पे, थोड़ा पपेगा मेल्टडाउन होने वाला। एंड ओके नगर उन्होंने मैच एक्स्ट्रा स्काउट्स भी स्टार्ट। प्रोड्यूस कर लिए हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। नाइस, आर्मर होगा इन स्काउट्स पे, चेक करना जरा। अब है आर्मर है, टू पियर्स आर्मर है लिया हुआ है। स्टिल दैट्स इनफ टू डू डैमेज। अब फलक ने देखा है कि सुल्तान भाई वेट बन गए तो मैं आगे जाता हूँ। सो फार शॉर्ट ने एक्चुअली अच्छी बॉलिंग की हुई है, कंसिडरिंग थोड़ा टाइम लगेगा इसको घूम के आके जाने में। यहाँ भी अगर ये वॉल कर लेना ये परफेक्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट अगर यहाँ 2 से 3 मिले से मार लेना वो लोग तो बहुत अच्छी पोजीशन में सुल्तान भाई की टीम। बट लेट्स वेट एंड सी, तब तक हम बटे टाइम पे विलेजेस रेट देख किया। लेते हैं कितने हैं किसके एक्चुअली। सो फार पॉकेट विलेजेस ऑलमोस्ट सेम है, 2 विलेजेस की लीड है फियोनोर को। या 37-37 फियोनोर के फ्लैंक्स के एंड 37-40 जी। बट वो जो 2 विलेजर की लीड है एक्चुअली सुल्तान भाई पास फील पैर आई थिंक काइंड ऑफ, एंड उन्होंने क्लिकअप भी कर लिया है। सो वी कैन अज्यूम वो फर्स्ट होंगे पहुंचने में। फियनोर ने थोड़े से स्काउट्स इधर भी भेजे हैं। मीनवाइल आर्चर फाइट्स हो रही हैं हिल्स पे। ओके सैरसन वाला जो प्लेयर है उसने आप लगा दी और इस टीम में सिर्फ सुल्तान भाई ने आप लगाई। फियनोर भी अब जाने लगा होगा काइंड ऑफ फील पैरो के लगाया। बट बात वही है कि पॉकेट के नाइट अगर पहले पहुंच गए तो दिस गेट इज गोइंग टू मेल्ट। ये बहुत ही गलत एक टावर बनाया था एंड इसका सारा गोल्ड भी इस टावर की वजह से गया। वलक काफी डेंजर में है एज वी कैन सी विलेजर्स, बट वलक क्या है और वो वापस आ रही है। आई लाइक इट, आ रही है। बट अगर किसी तरह शॉट होल्ड कर लेता है इन आर्चर्स को, किसी हिल पे प्रोटेक्ट कर लेता है एंड फॉरन क्रॉसबोज कर लेता है तो मे बी ये स्नोबॉल करके जितवा दे। तो द क्वेश्चन इन माय हेड इज आई थिंक मिल इतनी अलग क्यों है यार, व्हाट इतना डिस्टेंस क्यों है आपके इन फार्म में और फार्म में। आई डोंट नो, मे बी कोई स्ट्रेटजी होगी वाले पास। बट व्हील बैरो फ्री है तो आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस इतना मैटर नहीं। एक्सेप्ट किया है कि ये आर्चर्स मैंने लूज करने हैं, जितने ज्यादा पिक ऑफ ले सकता हूं आर्चर्स के साथ ले लूं। आई थिंक सो फार वर्थ इट है ये वाले के लिए, क्योंकि एक तो उस पास व्हील बैरो है, फ्री विलेजर्स लाइक 2 और 3, ही कैन अफोर्ड टू लूज लाइक दिस। एज वी कैन सी लास्ट क्लिक अप अभी जरियाब ने किया है, वेयर इज उनके काउंटर पार्ट को सिर्फ 1 मिनट रहता है अब जाने में। सो जरियाब अभी भी बैक फुट पर है इनिशियल फाइट्स हारने के बाद। वो एक एडवांटेज था जो उन्होंने मिस आउट कर लिया। सुल्तान भाई हाउएवर वो टीसी लगा रहे हैं एंड आपका सॉर्ड ने स्टोन सेल कर लिया। लेट मी सी, ये सॉर्ड ऑल इन जा रहा है, स्टोन सेल कर चुका है एंड वो बस कांस्टेंट अग्रेशन रखेगा। इवन पॉटकिन भी आ गया एंड आई असम क्रॉसबोज भी आ गए, बस नंबर्स अप करने की ज़रूरत है। सुल्तान भाई ने 3 स्टेबल को प्रेफरेंस दी है और दूसरा टीसी भी इनका बन रहा है। ज़रा जाना सुल्तान भाई पे। सुल्तान भाई एक टीसी बना रहे हैं अभी तक, दूसरा तीसरा तो नहीं बन रहे हैं। 3 स्टेबल है एक्चुअली, मार्केट भी लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा अग्रेशन आने वाली है सुल्तान भाई ओरिजिनल की तरफ से दूसरी साइड में। क्वेश्चन और अपग्रेड्स आएंगे। अपग्रेड्स वेल आर्मर तो ले लिया सुल्तान भाई ने, अटैक नहीं लिया, अटैक एक्चुअली पहले वाला भी नहीं लिया। नंबर्स अप हो रहे हैं बट आर दे इनफ, क्योंकि ये क्रॉसबोज है। अभी जरियाब भाई ऊपर भी नहीं गया, एजेप भी नहीं हुआ एज वेल एज वो क्रॉसबो एंड बॉटकिन आने का थोड़ा टाइम अलग लगेगा। सो अभी चांस है यलवार भाई के लिए काफी। सलकार को आई थिंक इधर पुश करना चाहिए क्योंकि उस पर स्टैमरिंग की भी पावर स्पाइक है। या यू शुड एक्चुअली मिलिट्री नंबर देखे जाए सोर्ड के और बलक के, 20 वर्सेस 15 आर्चर्स। बलक कैन रियली पैक अ पंच हियर। गेम फॉर सम रीजन बहुत स्टटर कर रही है। हाँ मैंने अपनी लाइक स्पेक्टेट ऑन कर ली है क्योंकि तुम्हारी यहाँ थोड़ी स्ट्रीम फंस गई थी।
आई होप ट्विच में नहीं फंस रही होगी। सो अब वेलोर भाई फाइट ले रहे हैं बट उनके पास बिल्कुल ही नंबर्स नहीं है। नाइट्स इवन आउट कर रहे हैं क्रॉसबोज को, अनलेस ये क्रॉसबोज हेल्प से फाइट लें विच विल बी बेनिफिशियल फॉर वेलोर भाई। वेयर इज वलक प्रेशर तो डाल रहे हैं बट वो कुछ कर नहीं रहा है। इवन फॉरवर्ड सीज डाली है वलक ने। सो अगेन वलक भी ऑल इन लाइक वलक और शॉर्ट का इधर लिटिल वन यू वन लगा हुआ है और दूसरी साइड में उनका 2v2 चल रहा है। बट आई डोंट सी एनी यूनिट्स अब आए हैं मुझे नज़र फियानोर के नाइट्स। डू दे हैव आर्मर? यस आर्मर है। सो काइंड ऑफ एक एडवांटेज है इन नाइट्स का कि इनको एक तो +2 +2 देयर इज सुल्तान भाई के +2 है एंड 0 10 है डैमेज। इट्स फाइन आई थिंक अटैक इतना मैटर नहीं करेगा इस फाइट में बट आर्मर अपग्रेड बहुत मैटर करेगी। क्योंकि बेसिकली इन्होंने डांस करवाना है अभी सीखना डांसेस क्या गया को नचा रहा है। सो उसने माइक्रो काफी अच्छी की है। इवन 3 नाइट्स भेज दिए हैं कि ये मैं क्लियर कर सकूं। मैग्नम क्लियर भी कर ली विदाउट टेकिंग लॉसेस। सो आई थिंक ओके ओके अपेरेंटली यलगार ने कहा है कि भाई इधर छोड़ो इनको रहने को, कहीं और अपने नाइट्स भेजो एंड उसको कट ऑफ करो एंड सप्लाई लाइंस ख़त्म करो ताकि हमें थोड़ा एडवांटेज वापस मिले। बट इंस्टेड वो घूम के आ रहे हैं। वो एक बहुत गंदी जगह पर थी ओपन नाइट्स के साथ फाइट ले रही है कोई एक दूसरा हाउसेस के बीच में बहुत ज़्यादा नाइट है। दस से वेल यू हैड टू लूज दिस फाइट। ये कहीं से भी फाइट नहीं जीत सकते थे। यलगार के आर्चर्स एंगेज नहीं कर रहे फॉर सम रीजन लाइक 10 सेकंड अभी जाके उन्होंने एंगेजमेंट स्टार्ट की। इवन हिल पे इथियोपियन आर्चर्स वर्सेस टटार आर्चर्स यू नॉट टटार डाउन हिल है या ये इजीली जीत सकते थे अगर थोड़ा प्रॉपर माइक्रो इधर करते। इधर डबल मैंगनल माइक्रो करके डिफेंड कर रहे हैं और इधर देखो भाई क्या बात है। एक्चुअली इट्स सी मैंगनल वेल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट चल रहा है। मेन एक्शन तो यहां पे आ रहा है यलगार सॉरी यलगार का राफे फियानोर कोशिश तो कर रहे हैं नाइट्स पंप आउट करके करने की बट शाह साहब के नाइट्स ज्यादा हैं एंड ज्यादा पंप आउट कर रहे हैं तेजी से और शाह साहब पास भी अच्छी है लीड भी है काफी। इवन जरिया पास भी लीड है एज कंपेयर टू यलगार क्योंकि वो डबल टीसी एंड ट्रिपल टीसी हैं वेयर इज फियानोर एंड यलगार भाई टीसीज नहीं बनाए। यलगार ने क्या अभी बनाया है टीसी का और सोर्ड ने डेकेट का फेवरेट मूव किया फर्स्ट टाइम किया मार्केट चूज करके सरसन की। अब सुल्तान दैट्स ह्यूज एक्चुअली फर्स्ट टाइम अब शाह साहब को अपने नजर नीचे देख करनी पड़ेंगी कि किसी ना किसी इस साइड तो डोमिनेट हो रहा है दूसरी साइड पे थोड़ा पुश करें। पता चला यहाँ से वो पुश हो गया बट द थिंग इज आर प्लेस्ट को तो मेरा नहीं ख्याल कैसल एज के नाइट पे कुछ कर सकते हैं अनलेस बहुत ज्यादा नंबर ना जो कि नहीं है। सोर्ड बेसिकली इनका एस इन द होल है एंड स्पेशली कि वो इंप आर्चर्स होंगे। अगर ये आर्चर सर्वाइव कर जाते हैं ये 20 का मास एक्चुअली 20 से भी ये 40 हो जाएंगे तब तक जब तक एम्पो एंड उसके अपग्रेड्स आए तो ये एक मास होगा इससे उसको सारा डैमेज डील करना पड़ेगा जितना भी टाइम हो। और वलक 3 टीसी घूम कर रहा है पीछे और ये आर्मी पहले क्लियर हो सकती है क्योंकि सुल्तान भी के नाइट आ गए। वलक को चाहिए साथ कोऑर्डिनेट करे एक्चुअली शॉर्ट मैगनम पड़ी है फाइट दिखाना जरा। ओह माय गॉड दोनों मैग्नम्स उसकी गए बट एंड फॉर द अल्लाह इधर जा रहे आर्चर व्हाट द फक इधर लाओ बट ये बात है उन्हें नहीं ना पता कि एम पे होल्ड ऑन सो अपेरेंटली ये नाइट्स अपनी सीनरी एंजॉय कर रहे हैं मिडिल ऑफ अरेबिया। और यार इतने ज्यादा नाइट्स हैं ब्रो यू कैन लिटरली क्लीन द होल थ्रेड आर्मी वेयर इज मिडिल में वो येलो पे वो थोड़ा प्रेशर रिलीव हुआ है और इन सॉरी पर्पल और येलो पे तो वो ऐसा ऐसा फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेंगे। अब खतरनाक बारी आ जाती है जब आपकी नोटिफिकेशन जाएगी तो तब शायद थोड़ा एक्टिव होंगे। नाइट्स हम देख रहे हैं वो अरेबिया के अरेबियन नाइट्स आ रहे हैं
नीचे हेल्प आउट कराने के लिए, तो उनको देख सकते हैं किसी पीछे थ्रेड के इस टाइम क्या उस पर सार प्लस वगैरह क्लिक करने के पैसे हैं? रिसोर्सेज अभी तक तो नहीं है आर ब्लिस वगैरह करने के लिए। ओह नो, ओह नो 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 नो, यू शुड नॉट, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डोंट। ब्रूटल ब्रूटल बाइबल है। इज इट गोना वर्क तो आर ब्लिस 30 सेकंड में आने लगी है। या दिस इज नॉट बट बट ब्रेसर नहीं है, वो नाइट्स एक्चुअली क्लीन कर लेंगे आपके। बट ट्रैफिक के तीन नाइट आए हैं, वो आके शायद बुलेट मारते हैं सारे बुलेट। Still very close, like 100 score का difference है both teams में। Sword काफी अच्छा micro कर रहा है। और once R plus आ गए, तो unite clear हो जाएंगे। Okay, on the other side, ज़रियाब भाई को काफी time मिला, उन्होंने eco को तो बनाई, but अब numbers ज़्यादा हो गए हैं। और ज़ायद जो बनोत इस time, और ज़ायद की जो eco lead है वो सारी अब shrink हो जाएगी, जितनी भी उसने जल्दार पे ली थी। Actually eco lead भी नहीं थी, दोनों के villager count same है। But aim तो किया है, but उसके पास कोई resource units के लिए है ही नहीं, खुद को defend करना मुश्किल कर देगा। जरिए आपके military number दिखाना जरा, वो aim पे है, मैं देखना चाहता हूँ क्या उस पर R plus के लिए military numbers हैं कि नहीं, क्योंकि जलगार बहुत all in गया है। military number हाँ he's fine, actually इधर military numbers जरिए आपके हैं, आपके 18 crossbows versus 43 crossbows. This is kind of bad. Yelgar जो है ना, like अगर आप पास range आप कर सकते हैं, आप 20 arblast के साथ 40 crossbow के गेंद hold कर सकते हैं। नीचे वाला का castle भी आप पहले ले रहा, जरिए आप। So far game dead even जा रही है, little margin of error के साथ। और सुल्तान भाई एम पे है, that's actually huge. प्लस 4 आ गया कैविलियर्स में, तो ये सारी आर्मीज जो हैं क्लीन हो जाएंगी फैंस की। सुल्तान भी पहले क्यों एंगेज कर रहे हैं, लाइक यू आर लिटरली 40 सेकंड्स अवे फ्रॉम हिम, व्हाई यू आर एंगेजिंग राइट नाउ? आफे भाई कभी नाइट आर्मी आ रही है रेडी टू किल एक्चुअली। आई थिंक थोड़ा शायद कॉन्फिडेंस भी इस टाइम होने है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो बहुत फेवरेबल पोजीशन में ये फाइट ले रहे हैं। बट द थिंग इज के राफे के नंबर्स देखो, 25 नाइट स्ट्रेट गोइंग इनटू सुल्तान स्पेस, होल तो होगा अब तक, होल तो होंगे, द क्वेश्चन इज कितने यहाँ पे मैसिव इको मार सकती है अगर ये नाइट्स के साथ सही तरह प्ले करें, बट वो उधर नहीं जा रहे, वो इंस्टेड वलक पे जा रहे हैं। ओह ये भी सही है, kind of agreed, 7th phase kind of सही है, सही है, लाइक आगे फॉरवर्ड पे ओरिजिनल पुश करना स्टार्ट कर रहे हैं, सीजेस डाल रहे हैं, बट ये कि ये इको बिल्कुल अनगार्डेड है, भगा तो दी है बट स्टिल कहाँ छुपाओगे आप? जलगार एलीट स्किल मिशन अपग्रेड ले रहे हैं, दैट्स समथिंग दैट यू शुडंट डू इन अ टीम गेम, that's a desperate move because pocket ke jo item wo hamesha aapko aage clean kar denge, especially if you're saracens. Where is zaryab ne cap ramps leni hai, cap ramps ya ab wohi dm style push start ho jayega yaar bhai, ko yahan pe cap ramps jana chahiye tha isse। आई थिंक वो मोमेंटम नहीं था कैवर्ड से जाने वाला, कैवर्ड से आप यूजली तब जाते हैं जब आपस मिलिट्री इवन हो या थोड़ी लीड हो, लाइक वो जरे आपने कभी वो दी नहीं ना अपॉर्चुनिटी। आई मीन दिस मैच इज अ स्ट्रगल, नाइट्स तो मार दिए फियनोर के, एक्चुअली नहीं मारे वो भाग गए हैं राइट, आई थिंक वलक इज फाइन, सही है वलक इज फाइन, डबल टीसी बोन कर रहे फियनोर भी और नाइट्स भी रेडी हैं, इम नहीं है, उनका इम होना जरूरी है वरना ये गेम उनके हाथ से निकल जाएगी। और सुल्तान भाई 124 विलेजर्स पे इस टाइम बैठे हैं, लाइक ब्रूटल डोमिनेशन बाय पॉकेट, उनके दो फ्लैंक्स को मिला के वन के बराबर आते हैं वरना भी नहीं आते। तुम स्काउटिंग देख सकते हो, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने सुल्तान भाई की बेस स्काउट भी की जो ने इतना फ्री बूम मिला एक्सप्लोर वगैरह, नहीं फिन फिन और की हाँ वो
पर जो मैप पे नजर आ रहा है वो सिर्फ इतना है। वैसे सुल्तान भाई डायरेक्ट फियानोर को टारगेट करके उन पे जा रहे हैं। अब उन्होंने मैच देखा होगा यहाँ पे एक्चुअली। यप दैट शिट इज स्कैरी। ये काफी है। यार काफी देर से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बट अगेंस्ट सीज रैम्स आई डोंट थिंक सो यू कैन होल्ड। उसको चाहिए होंगे उसे। ओ काफी कोपा पर सुल्तान भाई फियानोर बेस में। दिस इज एक्चुअली बैड। आपको ये यूज करके इनको फौरन मार देना चाहिए बट आपको विलेजर्स पे डालना चाहिए। आप टीसी क्यों तोड़ रहे हैं इधर? टीसी बहुत गलत या चॉइस है। ये तो बिल्कुल डेडलॉक हो। ये तो ए हेलो जस्ट किडिंग लपड़ मारूंगा। As we can see, मैं होता तो मैं अभी तक resign कर देता हूँ। I think it's safe to say कि GG अब। Score भी काफी 2500 से ऊपर चली गई है। आपका pocket भी upgrade हो रहा है। Entry number देखो 105 versus 94. Red even still. But ये है कि वो Saracens पे depend है ना और वो stationary खड़े हैं अपनी base में। Whereas अलग बूम कर रहा है इवन के वो स्लिंग कर सकता है अपने टीममेट को गेम एंड करने के लिए। या और गलत पर स्पाइकिंग इकोनॉमी है उस पर सूट भी होगा काफी वो आई थिंक बाकियों को भी स्लिंग कर सकता है। सैरिसन प्ले अच्छा था बट अनफॉर्चूनेटली डिड नॉट वर्क आउट द वे दे वांटेड। लाइक वो पुश नहीं करता है। जब भी वो पुश करने लगता था सुल्तान में के नाइट हमेशा आ जाते थे टाइम पे। यलहार भाई हिजरत करके आए हैं चर्च के पास दुआएं मांगने अपेरेंटली। या और राफे ने भी इंप लगाई है और सुल्तान बेग के पलाह दिन आ रहे हैं। As you can see it's kind of too late। जितनी देर में आप इंप जा रहे हो उतनी देर में वो पैलेडिन चला जाएगा और ये अपने गोल्ड विलेजर्स को जा रहे हैं कुछ नाइट्स के साथ। डेस्परेट अटेम्प्ट। Do you think इतने कैब जो है 10 नाइट्स वर्सेस 30 नाइट्स सॉरी 10 पैलेडिन वर्सेस 30 नाइट्स कितने किल्स कर सकते हैं? लेट्स सी। लैंचेस्टर लॉ लगेगा प्रोबेबली नाइट्स जीतेंगे फॉर श्योर। खुल के जीतेंगे नाइट्स। जीतना तो चाहिए। आई मीन यलहार भाई एक चीज कर सकता था वो मैंगल डिफेंस करता है इंस्टेड ऑफ स्कर्म्स आर्चर्स एंड मैग्नस एंड ये सारे जो चर्च के पास सारे जो विलेजर्स खड़े थे उनको डिफेंड कर रहे हैं बट इग्नोर होकर वो नाइट्स मारने जा रहे हैं शाह साहब के पैलेडिंस। इवन के इट्स ओवर हैज टू बी ओवर हैज टू बी। वेयर इज सोर्ड पुश कर रहे हैं साइड से बट आई थिंक इट्स टू वेरी लेट। या लाइक 15 पैलेडिन आने और ये ट्रैप्स और ये कि क्रॉसबो में नहीं सारे मार्च हैं। आप ये फ्रैंकिश बंदेंस हैं चीज़ कॉल होते हैं। या सो गेम वन गेम्स टू चीज़ी लाइक बहुत क्लोज थी शुरू में बट देन यू नो थोड़ा सा आउट प्ले किया है शाह साहब और ओरिजिनल की टीम ने। सो इसको तो मैं बेस्ट ऑफ थ्री करूँ राइट? या बेस्ट ऑफ थ्री है बट ये याद रहे इसमें सारी तीनों गेम्स खेली जाएंगी क्योंकि हर गेम का इंडिविजुअल पॉइंट भी है। एनीवेज देखते हैं ड्राफ्ट तब तक। सो अपेरेंटली इथियोपियन फ्रैंक्स एंड वाइकिंग्स ने ईगल्स ने निकाल ली अपनी बिल्ड से सो दैट वाज सक्सेसफुल फॉर देम। या यस ओके पेट्रोल फोर्टिस यार नॉट बेसमेंट कब इट्स इंटरोगेशन रूम कैम। ओके ओके तो अब हम मैप्स पे अगर फोकस करें स्कोट्रा रैंडम आया। अब ये नहीं पता कि हमें ये रैंडम आया या कोई लाइक इन्होंने पिक किया। आई मीन निंजास को अरीना ही जाना पड़ेगा क्योंकि अरीना उन्होंने पिक किया था। अरीना अरीना में क्या ख्याल है क्या सिप्स होंगी इनकी? वेल ट्यूटन्स फॉर वन चाइनीज ट्यूटन फॉर श्योर है। चाइनीज ऑन अरीना नॉट द बेस्ट सिप बट या माइट बी पॉसिबल।
रहती हैं पोल्स, इटालियंस, चाइनीज, बर्गंडियंस एंड कोरियंस एक्चुअली। बर्गंडियंस बहुत अच्छे से अरीना पे, आई वुड पिक बर्गंडियंस अगर मैं अरीना खेल रहा हूँ। या इटालियंस, ट्यूटन्स एंड बर्गंडियंस जाना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, बट यू नेवर नो। वेरेज आपकी जो ईगल्स की टीम है उसमें है खमर, पर्शियंस, हंस, जापानीज, क्यूमंस। एक्चुअली क्यूमंस बहुत डेंजरस हो सकते हैं, खमर और क्यूमंस। आई थिंक जरियाब जो है वो वियतनामीज पिक करेगा, सुल्तान भी क्यूमन पिक करेंगे, और जो वैलक है वो हमर पिक करेगा। लेट्स सी। काइंड ऑफ हैव टू। सो मैं जरा देखूँ तब तक गेम टू अगर स्टार्ट हुई है कि नहीं। गेम ये तो लोड गेम आ गया हूँ, एक्सक्लूसिव में। पोल्स लेट्स गो। 7 3 पोल्स आई थिंक रैंडम पिक है, वरना कौन पिक करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई पिक करेगा। सो कार्टून्स गेम अभी लॉबी बन रही है या व्हाट्स द डील? लॉबी अभी जरियाब ने अभी लिंक सेंड किया, वो भेजा है अभी राफी भाई को। ओके ओके मुझे एक चीज नहीं वैसे समझ रही, डेड लोग हाइड आउट बैन किया है और अरीना पिक किया है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? लाइक द बोथ आर क्लाउन मैप्स राइट? यस, बट आप उस पे योलो भी कर सकते हैं हाइड आउट पे, वेयर एज अरीना पे आप नहीं कर सकते। वेल नॉट हाँ इन दैट वे, हाइड आउट पे आप फ्यूडल में पुश कर सकते हैं एंड मे बी इवन अर्ली कैसल में कर सकते हैं। अरीना में आपको कैसल के बाद पुश करना पड़ेगा, सीज डालनी पड़ेगी एंड वो काइंड ऑफ उनको मे बी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो हाइड आउट के लिए, सही क्योंकि वो बात है। अर्ली हाँ डैमेज नहीं खाना चाह रहे। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपको देती हैं स्टोन वॉल्स। या एग्जैक्टली, ऊपर से रिसोर्सेज भी अंदर होती हैं हाइड आउट में, कभी कभी ये होता है डियर बाहर होती हैं, यू नेवर नो। और ऊपर से डेकर्ड का पॉइंट भी अच्छा है कि हाइड आउट में जो है वो दो स्पॉट होते हैं पुश करने के लिए, रीना पूरा फॉरवर्ड है और हिल्स भी नहीं होती है रीना में। आई मीन इटालियंस तो निंजास को पिक करना चाहिए क्योंकि कंफर्म खमर आएगी, कंफर्म क्यूमंस आएंगी, जेनोइस इधर बहुत अच्छे होंगे, ट्यूटन्स अच्छी हैं क्यूमंस और खमर के खिलाफ, आपको आर्मर मिलता है मेली, ठीक है। बाकी वियटनामीज बचते हैं, वियटनामीज के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सही बात है। बट इन्होंने क्या ब्लैक, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मैच जीत जाते हैं रेबल निंजास अरीना वाली गेम, देन व्हाट विल दे डू, व्हाट विल दे डू इन ब्लैक फॉरेस्ट? मे बी वो ब्लैक फॉरेस्ट ना खेले, मे बी वो रियन स्टोन्स खेले, पॉसिबल है। यू नेवर नो। स्टिल वेटिंग के लॉबी पर्शियन और पिक, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर पर्शियंस। एक्चुअली पर्शियंस जा भी सकते हैं, मे बी एक स्नीक विल छुपा दें ब्लैक फॉरेस्ट में इन केस वो अरीना हारते हैं। वेर अस्यूमिंग के वो अरीना हाँ अभी हारे। डिपेंड करता है, हो सकता है स्कोट्रा भी कर दें फेवरेट। सोकोट्रा, दैट वुड बी अ फन वन टू सी। पिक पोल 7 पेज विल डोनेट इज मॉनिटर। ओके, सो अभी लॉबी बन रही है, दो बंदों पे वेट हो रहा है। सो फार टीम ईगल्स, ईगल स्काउट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं लॉबी में। नहीं, पूरा नाम लो, डेडलॉक। टीम ईगल्स क्या मतलब, सोरिंग नाम ईगल बता। स्काउट्स। ओके, इट्स क्रिंज जिसने भी ये नाम लिया है। सॉरी ईगल्स राइट। सोरिंग ईगल्स, माय गॉड। बैकग्राउंड बड़ा प्यारा लगाया हुआ। ये तो इनकॉग्निटो कब का लगा हुआ था, आई हाँ एम टू लेजी टू फिक्स इट।
प्लेसमेंट एकेड पे डिपेंड कर रहा था, जो हमारा खुद क्या कहेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर है, लोगो डिज़ाइनर, ग्राफिक जो बेसिकली ये ओवरले सेट करवाता है एंड सारी चीज़ें करवाता है। ओवरले शाउट का आउट है टू लेकिन डेकेड, बहुत मेहनत करता है टूर्नामेंट्स की। मीनवाइल हर कोई आके धजियाँ बढ़ा उड़ा देता है उन उस मेहनत का, क्योंकि वो लोग टाइम पे नहीं आते। एंड वेल, आपको पता है, आप खुद एक ऐसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। नहीं, स्पीकिंग ऑफ विच, आपने तो हमें बताया नहीं कि इनकॉग्निटो के आप तो रनर अप हैं। हाउ, आपका क्या गेस था कि सामने कौन होगा फाइनल में आपके? यार फाइनल में मुझे थोड़ा बहुत शक हो गया था लाइक गेम देख के क्योंकि कोई हम में से नहीं है बट स्टिल लाइक मुझे यकीन नहीं है। मैं समझा शायद कोरी होगा क्योंकि उसके साथ मैंने इतना नहीं खेला बट यार जब रिवील हुआ तो सब कुछ क्लियर हो गया। एंड इवन जैद इस टूर्नामेंट में, डू यू थिंक हाँ वो इस टूर्नामेंट में एक वन थ्रेट ऑफ है? द मोस्ट अंडरडॉग टीम आई वुड से क्योंकि जैद बहुत ओपी है और उसके साथ जो दो प्लेयर्स हैं वो भी अच्छे खेलते हैं बट आई थिंक काफ़ी लाइक बैलेंस्ड और बड़ा कंपेटिटिव सीन मिलेगा मैं देखने को व्हाट डू यू मीन, हम में से नहीं है एलियन है जैद बेसिकली वो आते हैं आउटपोस्ट लगा के चले जाते हैं फिर कार्टून होना से भी चाहिए एक बेस्ट ऑफ 11 जैद का और आपका, क्योंकि यार अभी ट्रैश नहीं होना टॉक तो हो चाहिए। गई है, हाँ होना चाहिए एक्चुअली बेस्ट होना ऑफ तो 11 चाहिए। सीबीए में होना चाहिए। हाँ यू नो व्हाट, एक्चुअली आई हैव अ बेटर आइडिया। हाँ मैच जो होना चाहिए ना, वो इनकॉग्निटो 1 विनर वर्सेस इनकॉग्निटो 2 विनर के साथ होना चाहिए। डू यू नो हु इनकॉग्निटो 1 वाज, विनर वर्स चैंपियन वर्स? यू चैट में शुड आया है नो, योर प्रेडिसेसर, सपोजिटली तेरा प्रेडिसेसर होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, जैद का प्रेडिसेसर। देख इट फॉर या श्योर बेस्ट ऑफ 11, सेटल इट इन द बैटल फील्ड। अगर क्या सीन है कार्टून गेम स्टार्ट हुई उनकी। नो, आई थिंक कोई इशू है, फिनोर की अच्छा टीम का अच्छा एक बंदा अभी तक एंट्री नहीं हुआ नो, लॉबी पेट्रोल, शुड आई हाँ हाँ स्पॉइल? नो वेट मुझे कुछ देखने ओके, दे लेट्स जस्ट सरप्राइज, लेट्स जस्ट या सरप्राइज। मैंने लॉबी ब्राउजर में जो चीज़ देखी है ना, द फक, जॉनी कौन है? एक्सक्यूज मी, कराची में कोई ना कोई किसी को लूट रहा होगा इस वक्त मेरी गली में। अपेरेंटली चीखों की आवाज़ आ रही है मुझे बाहर से। अनदर डे इन कराची अनदर डे इन कराची। एनी ओजी कराचाइट्स हियर, प्रेस F फॉर यस। इट्स अ भाई पेशेंस किसी का मोबाइल छीना गया है इस वक्त, जिस वाई स्पीड से बाइक जा रही है ना ये सिटी लगी हुई उधर लगता भाई सिटी लगी यार ये इट्स अ भाई कह रहे कि उन्हें जनरल नॉलेज चाहिए थोड़ा डेडलॉक किस चीज के बारे में? एज ऑफ एम्पायर के बारे में ऑफ कोर्स लाइक अपनी विजडम से हम सबको वो करो रोशनास करो वेल, अगर आपको विजडम चाहिए ना, तो एज ऑफ एम्पायर 4 में यार बहुत बस सही है ज्यादा बस बात कैंपेन्स में खत्म उन्होंने बात खत्म। तुमने एज एक्सप्लेन ऑफ एम्पायर किया हुआ फोर है का कि नाम लिया बात क्रॉसबोज खत्म कैसे बनते थे एंड नाइट्स कैसे थे एंड 100 ईयर। और शायद अगर लोग मुझे ज्वाइन करें पार्टी गेम्स में, तो मैं थोड़ा उधर एजुकेट करूं, बट स्टिल रेलेवेंट है एज फोर आई डोंट नो, मैं तो उस वजह से नहीं खेल रहा होता क्योंकि कोई और होता नहीं है एंड आई डोंट वांट टू प्ले इट अलोन, यू नो। सच एक वक्त था मैं ये गेम अकेला खेलता था एंड इम्प्रूव करता था, फिर मैं इन पाकिस्तानी नमूनों के साथ मिला
और फिर मेरी वो मोटिवेशन मर गई, फिर हाँ मोटिवेशन थोड़ी हुई, टूर्नामेंट किया, चलो मैं खेल लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। फिर मैंने देखा कि सामने आइलैंड्स जैसे मैप पे ट्राई हार्ड किया जा रहा है, तो मैंने कहा नहीं काका, ये नहीं होने वाला मुझसे, रिजाइन कर दिया चलो, फिर। आइलैंड की तो समझ आती है, इधर कंपेटिटिव नोमैड चल रहा होता है मैम। वो तो है भाई। एट में भी ट्रैश टॉक चल रही हादी और हशमत की। Yeah. आई मीन टूर्नामेंट एंड होने के बाद हम एक इंडिविजुअल शो मैच भी रख सकते हैं इर्तजा कार्टून यार भाई बता एंड कार्ड हादी के भाई के का बोर बीच। है। वुड बी अ ओके फन वन सो टू वॉच। इंटरटेनिंग होगा, इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके सो लॉबी फुल हो गई है, लॉबी रेडी हो गई है अपेरेंटली। वेट, वो ड्रागो भी देर आ गया है। वेयर इज ड्रागो इन द लॉबी? ये क्या हो रहा है? व्हाट द फक, ये जॉनी कौन है? जॉनी, मैंने अपने बोर का नाम रखा था, वो कोई उठा गया क्या? जॉनी भाई कौन है कार्टून? व्हाट द आई डोंट नो। फक। अच्छा मीनवाइल नाम क्या है आपका? ड्रागो आया, हाय, कैमरा में हाथ हिला के गया कि यार मैं भी इस लॉबी में आया था, मैंने भी खेलना है अपेरेंटली, और फिर गायब हो गया। आदिल भाई स्टार्ट करो, कोच आस्क्ड कामली। यार ये करो स्टार्ट। हाँ कोच के मैंने अल्फाज देखे। सो आई थिंक गेम स्टार्ट हो जानी चाहिए अब। चेक करें, आई थिंक लोबी ब्राउज़र या तो शो नहीं गेम हो रही। स्टार्ट हो गई। सो स्पॉइलर स्पॉइलर, सुको ट्रॉपिक हुए व्हाट द फक, एंड वलक डूश करने लगा है विद पर्शियंस। लेट्स गो मैन, लेट्स गो हाइप। एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक कर ली। नहीं ये फास्ट फॉरवर्ड क्यों है? वेट व्हाट व्हाट इज हैपनिंग गेम? हेलो ओके सो सॉरी अबाउट दैट। सो थोड़ी सी अभी होगी से ना ही सेंक लेमिंग वगैरह। वगैरह स्टार्ट कर दी है, वो घुस रहे हैं एक दूसरे की बेसिस में। राफे भाई ने तो कहा है यार मैं जैद की पेज से एक, सॉरी जैद की बुक से एक पेज निकालूंगा। ओ या सॉरी माय बैड, शो स्क्रीन, स्क्रीन से करूँ मैं। शो करो या वेर वर वी? हाँ सो राफे भाई ने अभी से लेमिंग स्टार्ट कर ली है, उन्होंने गोल्ड के लिए पैलेसेड वॉल लगा ली है बट कंप्लीट नहीं की। किल्स केडीज तो जीरो है, लेम मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है, आई थिंक हर कोई सेफ था, कोशिश ज़रूर की गई थी ये बोला जाएगा ज़रूर। पोल्स क्यों पिक की गई इस मैप में? विलेजर आई हैव नो आइडिया। रश, अल्ड्रागो रश आल्सो नोन एज, क्योंकि इनके विलेजर जो है उनकी एचपी हील होती है ओवर टाइम। वेट इज दैट ट्रू? यह नो शॉट, दैट्स कैप, दैट्स कैप, दैट्स बुलशिट। ओके क्वेश्चन दैट्स नॉट पॉसिबल। वर्सेस पोल ऑन स्कोट्रा टीम गेम 2022। इंटरेस्टिंग नहीं, राफिब भाई ने या कोई कसरत नहीं छोड़ी। इनको एनिमल अब्यूज के लिए जेल कराई जाए। आई मीन पैटा को कॉल करें, इतनी लाशें एक साथ आ रही हैं। एंड वो मूड में तो है, आई थिंक वो बुशेस को भी लेम करने चाह रहे हैं। वेयर इज सो वलक ने देखा तो है कि उसकी सारी शीप लेम हो गई है एंड इवन वो बुशेस पे जा रहा है, बट फिर उसको पता चला है कि ये सर यहाँ पे तो लेम हो रहा है। या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पीछे हो गया है, उसने स्टार्ट हो एक्चुअली गई। कैंसिल कर दिया अपनी लेमिंग स्टार्ट। व्हाट व्हाई?
उसने देखा है बुशेस पे वो विलेजर्स भेज दिए होंगे ना दो तीन, एंड आई थिंक वो सही था क्योंकि ये स्टिल लाइक थोड़ा बहुत तो इनएफिशिएंट कर सकते हैं विलेजर जो आपने आगे भेजा। वेट ये चाइनीज है राफे? नहीं राफे फियन और पोल्स था एक्चुअली, चाइनीज के साथ कर सकते थे ये लोग गेम में। चाइनीज पॉकेट है? नहीं 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 चाइनीज के साथ बहुत रिस्की आई पॉकेट नहीं थिंक। है फ्लैंक है, चाइनीज के साथ लेम करना बहुत फियन और पोल्स है, यलगार चाइनीज है और वो फ्लैंक है, सोर्ड कोरियन पॉकेट है। वेट व्हाट इज हैपनिंग, टीम सोर्ड पोजीशन पॉकेट ऑन थी? आई थिंक ऑन होंगी, ऑन होंगी, ऑन होनी चाहिए। तो फिर आपके दोनों आर्चर्स फ्लैंक और पॉकेट क्यों है? व्हाट दिस मेक्स नो सेंस। एक्चुअली आई थिंक तीनों को मिलते हैं आर्बलेस्ट, सो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। तो मिलते हैं बट वुडंट यू रादर हैव चाइनीज इन पॉकेट रादर देन कोरियंस इन पॉकेट? लेट्स सी कोई स्ट्रैट होगी इन पास। एंड फेनोर ने वलक की एक गोल्ड को वाल कर दी सेकंड को कर रहा, दूसरे को भी कर रहा है। यस आई मीन वी नो वलक क्या करना चाहता है एक्चुअली, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ पर मलिक ने मिल क्यों लगाई है द क्वेश्चन इज। और वो फार्म लगा रहा है, वो एक्चुअली नॉर्मल खेल रहे हैं, वो नॉर्मल खेल रहे हैं सपोर्टर पे, दिस इज एबनॉर्मल भाई। और आगे है भी फिनोर। ओह नो ओके, जो कि आप फिनोर रेडी बैठे फिनोर रेडी बैठे यार मे बी 7th पेज ने मैसेज किया ओह माय गॉड व्हाट द फक फिनोर नेक्स्ट लेवल भाई 200 IQ 200 IQ भाई वलक। आई एग्री 7th पेज फियनोर फियर्स द पर्शियंस, नॉट इवन 300 मेन कुड स्टॉप द पर्शियंस, 300 स्पार्टन सॉरी। आइडल टाइम दिखाना सर, मैं देखना चाहता हूं कि इन चीजों से इन्हें कितना इफेक्ट हुआ बिल्ड बिल्ड्स पे। माय गॉड निंजास काफी फारिग रहे हैं नहीं? हाँ डियर 44 सेकंड आइडल टाइम लाइक दो ब्रिजर पीछे, आई मीन 4 6 7 तकरीबन 8 मिनट आइडल इको रही है और 11 मिनट आइडल इको ईगल्स की रही है। चुआ हुआ नहीं मिला था इनको अपेरेंटली खाना ढूंढने के लिए। सो जापानीज मैन एट आर्म्स आर यू गोइंग जरे आप भाई प्लीज गो प्लीज गो जापानीज मैन एट आर्म्स लेट्स गो लेट्स गो कम ऑन वेयर दैट अपग्रेड प्लीज मेक इट हैपन। तीसरा नहीं क्यों किया, टू मिलिशी ब्रश लग रहा है बट फ्यूड ले जाओ। व्हाई इट्स नॉट अ ड्रश, व्हाई आई डोंट नो मे बी जापानीज है शायद ये थॉट प्रोसेस। आई थिंक उसने रियलाइज किया एंड उसने कहा है कि भाई ओ दिस इज ओके। और राफे आप देख रहे हो 10.5 मिनट में आप लगा रहा है और वलक ऑलरेडी आप है, तो ओवर रिएक्शन था राफे की तरफ से फॉर श्योर, ओवर रिएक्शन था। कॉट्रा पे फॉर गॉड सेक वॉल कौन करता है? मे बी यू नीड सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी बट इतनी ज्यादा वॉल्स आई एग्री ये सुल्तान बे लेवल वॉलिंग हो रही है। ग्रीन के स्काउट्स भी साथ साथ हैं ब्लू के मलेशिया के साथ। सो फार दूसरी एंड पे तो हर चीज नॉर्मल रही है, वाला तो एलिवेटर म्यूजिक के साथ आराम से वेट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि फियन और अग्रेशन कर नहीं सकता क्योंकि वो फ्यूडल में है नहीं। वो अपनी स्लोली इको बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो एक मैसिव वेव के साथ गेम ख़त्म कर सके। बिल्कुल इस बार सोर्ड पॉकेट है, फियन और फ्लैंक है और कोरियंस पॉकेट है। आई थिंक कोई मिसप्ले हुआ है, कलर्स इन्होंने गलत चूज किए हैं, समथिंग हैपेंड। बट अगर वो वैगन्स चला जाए दैट्स एक्चुअली रियली नाइस, एक
अगेंस्ट जापानीज हमर एंड पर्शियंस. पर्शियंस के अगेंस्ट में भी नॉट दैट नाइस बट यू नेवर नो. ओरिजिनल खुद टावर्स बना रहे हैं ताकि वो स्पेस ना दे सके ब्रीथ करने की, बट ये बीच में पिक ऑफ हो रहे हैं आर्चर्स से विलेजर्स. काइंड ऑफ अ बैड डिसीजन. अभी वो रोटेट तो करवाएंगे, सुल्तान भाई के स्काउट्स बुलवाएंगे, थोड़ा सा टैंक करें एंड विलेजर्स पकाएं. ये टावर रश हो रहा है और स्टिल गोइंग फॉर इट. नाइस माइक्रो, वो काफी एरोस डॉज कर रहे हैं उसके. और ये 3v5 है यार, आर्चर की फाइट हो रही है. एंड इन्होंने काफी देर इनको जिंदा रखा है, सो दैट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट. और जिलकार पास फ्लैचिंग भी है, मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक स्टिल ये डाउट टावर है. या इट हैज टू बी डाउट टावर. पीछे भी तो टावर उन्होंने कर दिया है, दैट्स काइंड ऑफ अ रिलीफ. अगर ये आर्चर्स किसी तरह घुमा के इस तरफ ले जाए गोल्ड पे तो काफी होगा. मीनवाइल पॉकेट कहाँ है? लाइक पॉकेट को होना चाहिए इधर, स्काउट्स के साथ आते हैं. होना चाहिए बट अपेरेंटली सुल्तान भाई आइडल करके बैठे हैं खुद को. फिनो सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ साइड, पता है वो काफ़ी पीछे हैं. सो फार वो उनके लिए वर्कआउट तो कर रहे हैं, वो स्पीयर में निकाल के कर रहे हैं, बट इस प्रेशर को नॉ सॉरी एग्जिस्टेंस क्या कहेंगे आप, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर को यूटिलाइज करना चाहिए फिनो और सोर्ड को, क्योंकि वालक का जिस वक्त आया ना एंड वो आ रहा है. बट बहुत ज़्यादा स्काउट हैं सुल्तान भाई के, वो किसी की भी बेस यानी किसी की भी फुट लाइन में चले गए तो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट करेंगे. ये ही मसला है आर्चर्स पॉकेट के साथ जाने का, आपस में मिलिटी नहीं होती. दिस इज अ वेरी बैड होल एक्चुअली. सुल्तान भाई ने नहीं देखा, विजन तो होगी. आई मीन योर विद स्काउट्स राइट, विजन तो होगी. स्काउट्स घुमा रहे बट सोर्ड ने अपने आर्चर्स आगे भेजे हैं वलक की तरफ. आई डोंट थिंक ये आपका टारगेट होना चाहिए. वलक शुड नॉट बी द टारगेट. हैवी प्लेयर सुल्तान भाई आते हैं और ओरिजिनल आता है. और वलक इज गोइंग फाइन अगेंस्ट फिनो नाउ, जैसे कि आप देख सकते हैं विल लीड बी पास मिलिट्री लीड बी है. इज ओके लाइक ओनली पर्शियन टीसी एंड पर्शियन विलेजर्स है, उनका वर्क रेट भी काफी अच्छा होता है. हालांकि स्कोर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है. ओह नो, सुल्तान भाई ने क्लिक अप कर दिया एक्चुअली. या नाइट्स आ गए इधर तो बहुत मसला होना. बात की जाए ज़रियाब और जिलकार की तो जिलकार थोड़ी सी फेवरेबल पोजीशन में, हालांकि उसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा है. वाई आर्चर्स तो हैं बट उनको घुमा के ले जाना पड़ेगा. सो इट्स ओ आर्मी बहुत आउट ऑफ पोजीशन है जिलकार की. इमेजिन ये स्काउटर आर्चर अंदर घुस गए क्या होना. घुस चुके हैं वो. मीनवाइल प्रीएम्प्टिव वॉल्स कर रहे हैं कि वो स्लो डाउन कर सके, कि वो घूम के इसकी गोल लाइन पे ना चला जाए ये आर्चर. बट इट्स 15 आर्चर्स वर्सेस सॉरी 17 आर्चर्स वर्सेस 17 आर्चर्स एंड 6 स्काउट्स. काइंड ऑफ आर्चर्स थोड़ा सा पोजीशन में होना चाहिए था जरियाब के, थोड़ा सा आगे होते बट ये कि जरियाब के पास फ्लैचिंग नहीं है, वेयर इज यलगार के पास फ्लैचिंग है. ओह व्हाट द फक. अच्छा नहीं उसने क्लिक कर दी, सही सही. मैं भी भूल गया क्लिक करना. आई मीन बिजी बॉय टावर रश कर रहा था. और वलक ने कैसे लेज लगा दिया सुल्तान भाई के पास. सो फार निंजास काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस गेम में जो हमें नजर आ रहा है. इवन कि उनका पॉकेट अभी तक अप नहीं जा सका. वलक ने थोड़े बहुत स्काउट्स भेजे थे बट वो इतना डैमेज नहीं कर पाए. राफे भाई फिर भी कोशिश कर रहे हैं, अगेन कोई डैमेज नहीं दे पा रहे, इनके नंबर ही नहीं मिल रहे. 5 आर्चर्स हैं. सो सारी जो स्कर्मिशेज हम देख रहे हैं, फाइट्स हम देख रहे हैं, वो नॉर्थ की साइड पे हो रही है. इवन कि अब नाइट्स निकल रहे हैं, 3 नाइट्स पंप आउट हो चुके हैं अभी से. यस और ये 3 नाइट्स जो हैं ये फाइट के बीच में आ गए तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाना है.
मेरे सोर्ड भी कोशिश कर रहा है आर्चर्स के साथ रीइंफोर्स करने की, बट सोर्ड के आर्चर आए हैं कोरियन के अपील से फाइट लेने, और ये जरिए आपके यहाँ नंबर मरेंगे काफ़ी। इवन के स्काउट्स रखे हुए हैं जिंदा सुल्तान भाई। मिलिट्री लीड देखो ना, लाइक 52 आर्मी है जलगार की टीम पास और दूसरी टीम पास 32 मिलिट्री। हाँ बट ये आर्चर्स हैं मोस्टली, सारे आर्चर हैं, सारे आर्चर्स हैं। 54 आर्चर्स वर्सेस 23 आर्चर्स एंड 12 स्काउट्स स्लैश नाइट्स। बट प्लस 2 आ गया नाइट्स में, तो ये फ्यूडल आर्चर हैं सारे। आ रहा है के इन 30 सेकंड्स इवन के वाला पे स्कर्मिशर्स बनाए हैं। आई एम कंसीडरिंग, आपको लगता है इसको स्कोटर जाना चाहिए था? कोई स्ट्रैट आई थिंक प्लान्ड होगी, बट तीनों आर्चर कहे हैं मुझे अभी तक, सो फार तो कुछ नहीं नजर आया कन्विंसिंग। आई थिंक मिस्टेक्स हुई है, सही तरह प्लानिंग नहीं, स्पोर्टर रैंडम हुआ है, सेव रैंडम हुई है, एंड अगेन फिर पोजीशंस भी कुछ रैंडम लग रही है, हैवी मिस्टेक्स एंड कॉस्टली मिस्टेक्स हैं जो अभी गेम करवाने लगी है निंजास को। ये प्लस 2 नाइट्स हैं, ये सारी आर्मी क्लीन होती है तो सरकार की, ये सारे फ्रीडम के आर्चर्स हैं, वो टीसी के नीचे भी लड़ सकते हैं बिकॉज़ एक एक आर्चर जो है बहुत महंगा होता है, 45 गोल्ड लेता है एंड इनका सारा गोल्ड भी अभी होने लगा है। या सो आई थिंक इट्स जीजी, सोर्ड ने पिकअप कर लिया है, उसके पास आर्मी नंबर्स हैं बट बहुत हैवी लॉसेस लिए हैं, और जलकार अपना गोल्ड पे भी लूज कर रहे विलेजर्स। हर महीने लेट्स सी कितने विलेजर्स थे, 33 थे उन्होंने लूज किए, और अब मिलिट्री लीड आ गई है सुल्तान भाई की टीम पास, तो गेम बिल्कुल टर्न हो गई है अचानक से। हालांकि राफी भाई की अनवलक की दोनों सेम लीड है, एंड राफे ट्रांजिशन कर रहे पोल्स है, नाइट पे ट्रांजिशन करेगा। यस वो अपग्रेड आ गई अगर पोल्स की, इमेजिन इस जगह ओ कैसल नाइट फ्लड वाली, तो ये कैसल कुछ होना बहुत जरूरी है एक्चुअली। इवन के वलक कर रहा है, सो दो कैसल्स ऑन द फील्ड, एक डिफेंसिव और एक वलक फॉरवर्ड अग्रेसिव, सोड अपने फ्लैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसल, ये कैसल नहीं बनना चाहिए, वलक का सेकंड आउट कैसल है इस गेम का होना चाहिए। आर्मी स्कोर को चाहिए, आर्मी भेजे नाइट दो और नाइट एक नाइट, ये दो नाइट ही भेज देता ना, सेंड द नाइट्स मैन। एक नाइट अंदर खड़ा है, वो लाइन ऑफ साइट उस देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता, देख सकता है यस, नहीं नहीं ऑफिसर, नो नो फिनोर को नहीं पता कि बाहर कैसल बन रहे, ओ माय गॉड, इसलिए आपको डाउन वॉच लेना चाहिए, इसलिए That's why you should always keep down watch in Fiddlech. सिर्फ उसको एक कर्मिशन नजर आ रहा है। Could we get some Fs in the chat? Yes. For Fiddlech. What's about to happen in the next minute? And Pogars और वलक, उसने बड़ा calculated castle बनाया। ये pro move है या coincidence है? We don't know, but it will still help them. It shouldn't. शाह ने दो टीसी भी लगा ली हैं बूम करने के लिए। ये वैसे कैसल क्या करेगा, एक गोल्ड ब्लॉक करेगा इससे ज्यादा, और आर्चरी ब्लॉक करेगा इससे ज्यादा, तो कुछ नहीं करेगा। यू आर मिसिंग द बिगर पिक्चर, दिस इज नॉट जस्ट अ कैसल, इट्स अ पर्शियन कैसल, डू यू नो व्हाट्स इनसाइड अ पर्शियन कैसल? यार अगर वलक ने वार एलिफेंट बना दिया ना इस मैच में, आई हैव माय रिस्पेक्ट फॉर वलक, प्लीज बेक वार एलिफेंट। रिसोर्सेज तो खाना जरा सबके, धुम्बे अपेरेंटली लोगों ने इकोनॉमी देखनी थी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो गड़ी हुई है, क्यों ना एज ऑफ एम्पायर की इकोनॉमी देख। जलगार ने अब जाके अब क्लिक किया, वलक इट वुड बी अ डैम शेम अगर तूने वॉर एलिफेंट्स नहीं निकाले, प्लीज वन वॉर एलिफेंट, वन वॉर एलिफेंट, इमेजिन करो वार एलिफेंट कन्वर्ट हो गया उससे, तो वलक की पूरी बेस तोड़ देनी है।
नहीं मॉनेस्ट्री नहीं लगा रहा है, वॉर एलिफेंट डिफेंड कर सकता है। वेट वेट, उसने फाइनली फियनोर ने एक डैमेज किया जिसकी वजह से शार को अपने नाइट्स नीचे की तरफ ले आने पड़े और वलक को डिफेंड करने पड़े। बट अभी तक अपग्रेड नहीं आई फिनोर पास वाली, राइट? हाँ, तो ये अभी तक स्टिल महंगे नाइट्स हैं, ये सस्ते नाइट्स नहीं। कैसल टेक है राइट, इफ आई एम नॉट। हाँ, और फिनोर का स्टोन देखा जाए तो है ऑलमोस्ट देयर, लाइक आ सकता। ओ वैगन आ गई, आर दे गुड अगेंस्ट नाइट्स? तो हाँ देर ओके अगर मैं ऐसा हूँ। सो दो खमर का कैसल बन रहा है मैप के सेंटर में, एक और एलिफेंट की अपॉर्चुनिटी आई इधर, सेवंथ पेज के फेवरेट एलिफेंट, कलर भी ग्रीन है। आफे भाई कैसल कहाँ लगाएंगे जैसे उनके पास स्टोन आया? आई वंडर इस देर अ स्पॉट, आई मीन इस हिल पे लगा सकते हैं? नहीं बहुत ज़्यादा हिल है इस, इधर देयर इज नो अदर प्लेस इधर लगाना। गोल्ड तो ब्लॉक हो चुका है आफे का, एक गोल्ड ब्लॉक हुआ है, दूसरा यहाँ है और इसके पास दो गोल्ड पहले से हैं, एक पीछे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आफे भाई ने भी अपने फोर्सेस भेज दी हैं उधर। सो फार हम फ्रेंड्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि हमें कोई एलिफेंट्स नहीं नजर आ रहे हैं। बट देखा जाए तो वलक बूम कर रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा उसके विलेजर हैं, 73 हैं सबसे ज़्यादा गेम में इस टाइम वलक के विलेजर। इनोर अपना कासल लगा रहा है अब खेल के ऊपर, डाउट हो सकता है, ये हो सकता है बट हाईली अनलाइकली। इफ वलक नोस एंड वलक डिड नॉट नो एंड वलक के साथ भी बट ये कैसल क्या करेगा, लाइक कुछ वलक ये गोल्ड सिक्योर कर रहा है, ये स्टोन गोल्ड एंड स्टोन वलक पास विल लीड है, वो आप जाके कर लेगा इसे कंट्रोल। इवन वलक को नहीं पता यहां पे कैसल ड्रॉप हो रहा है, उसकी विजन लाइन ऑफ साइट नहीं होता। सम फॉर यार भाई काफी पीछे थे बट कंसीडरिंग उन्होंने काफी देर होल्ड की है एंड और कर लिया होल्ड सम हाउ जुलकार ने इतना डैमेज लेने के बाद। अपेरेंटली सोर्ड काफी एक केओटिक प्लेयर है क्योंकि वो केओस एंजॉय करता है और उसमें थ्राइव करता है, समा उसने अपनी टीम को होल्ड कर लिया है पॉकेट में रह के। फियनो और नाइट्स भी वो कैसल टैक भी अप होने वाली है बट शाह ने एम क्लिक कर दिया। यस बट पहला दिन नहीं मिलते कैवेलियर और प्लस 4 आर्मर मिलता, हां व्हिच इज स्टिल वुड दैट बी इनफ, दैट शुड बी इनफ। आई मीन कैसल वॉर वैगन राइट, या वॉर वैगन तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वंस दैट आर्मर केम अप। सो ओरिजिनल कैव आर्चर जा रहे हैं, जैपनीज कैव आर्चर्स वी नेवर सी दैट। I think वलक अपनी बेस पे बट स्टिल लाइक गेम बहुत क्लोज जा रही है, बिल्कुल सही कह रहा है डेकेट। देखो तुम स्कोर देखो ना, लाइक 100 स्कोर का भी डिफरेंस नहीं दोनों टीम्स में, अगर के 500 स्कोर का डिफरेंस एक्चुअली स्कोर का एक्चुअली शॉट को भी लीड है इस टाइम, लाइक स्कोर लीड है। यस अब दो कैसल लग चुके हैं बट हम एक भी हाथी नहीं देख रहे। दरियाब ने भी इन क्लिक कर दी। यस दरियाब जापानीज कैब आर्चर्स, नो ये को कैब आर्चर्स नहीं तो नाइट्स भी है ना साथ पॉकेट के और पॉकेट पास। सो बेस्ट चीज जैपनीज यहां पे कर सकते हैं वो ये सामा टावर से, वो तो मास्टर स्ट्रोक होगा ये सामा टावर से। एक्चुअली बहुत गंदी फाइट ली है इसने, एक्चुअली शान है वो इम जा रहा था, इम जाने से पहले ये फाइट ली 20 सेकंड्स पहले और ये पोटेंशियल थ्रो है। मिलिट्री नंबर देखो 20 वर्सेस 43। फलक ने सिर्फ और सिर्फ बूम किया इतनी देर एंड कुछ नहीं किया, दिस इज नॉट द मैप फॉर बूमिंग। या बट हां बट रूल्स ये हैं कि स्लिंग करने के लिए आपको कैसे ले इंपीरियल एज होना चाहिए, सॉरी व्हाई डू यू नीड टू स्लिंग अ पर्शियन ऑन वुड के आर्चर्स मोटे हाथी कैमल्स यू हैव एवरीथिंग। और इर्सा भाई आप सही कह रहे हैं, वो चले गए हैं, उन्होंने आपकी बात सुन ली है सोर्ड ने, और ये शाह साहब का मेल्टडाउन होने वाले थे।
शाह साहब इज इन डेंजर, वेरी बैड डेंजर, उसके दोनों टीसी आइडल हैं, और क्या सारे विलेजर्स मार रहे हैं, 60 से काउंट शुरू करते हैं, तो 58, कीप इन माइंड 15 और एक टीसी में, 15 दूसरे आई थिंक, यस आई थिंक स्कोर भी यहाँ आ जाएगा, सो टीम सोर्ड पास, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, शायद और फूड बिल्कुल नहीं है, और सोर्ड भी एम्प है, सोर्ड भी और वलक सिर्फ कासल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वलक पास 100 विलेजर्स हैं, बट वलक को पता नहीं है कि फॉलो के पार्ट क्या है, फुली बूम्ड बट मिलिट्री नहीं है, क्या आई डोंट नो वलक क्या कर रहा है, बट दिस इज थ्रोइंग अप कैसल्स पे कैसल्स लगा रहे हो, बट कैसल्स का फायदा क्या है, माइट एज़ वेल जस्ट पुट टावर्स, क्योंकि कैमल्स परहैप्स, क्योंकि कैमल वॉर वैगन को भी मारते हैं, पीछे तारी को मार रही है इसकी, पॉलिश नाइट्स को भी, हां बट आई थिंक ये वॉर वैगन्स मर जाएंगी, एटलीस्ट मरनी चाहिए, एग्जैक्टेड कर रहा हूँ इस सेंस में कि वॉर वैगन्स सारी इको मार रहे हैं, बट 100 से 80 हो गए हैं, दिस इज अ लॉट, इवन के फियनोर ने अपने नाइट्स राफे ओरिजिनल की बेस में भेज दिए हैं, शाह खुद 50 विलेजर्स पर है, फियनोर डेंजर में है, बहुत अच्छी पोजीशन है एक्चुअली ये निंजास के लिए, जी और 13 सेकंड रह गए हैं, इसके बाद थोड़ा शॉक भी होंगे दूसरे वाले टीम वाले जब वो देखेंगे से शॉट को, हाँ एंड ये इलीट फॉर वैगन्स भी होनी चाहिए उसके लिए, पोजीशनिंग भी अच्छी है, बड़ा लाइक स्कोटर बड़ी अनऑर्थोडॉक्स गेम में कन्वर्ट होगी, यूजली इस तरह की गेम्स देखने को नहीं मिलती स्कोटर में, support disappoint one actually agar wo two elephants nikala all he needed were two elephants that's all game over thi bilkul sahi keh raha military count 50 versus 60 hai 10 ka advantage eagles ki team ka hai pop villagers ke jo count hai wo finally bloodline aa gaya wale ke paas let's go So, probably camels देखने को मिलेंगे, but war wagons के लिए I think आपको heavy camels चाहिए at least, क्योंकि वो heavy imperials के war wagons, और उन्हें armor भी मिलता है। Mic on. Sword को resources भेज रहा है 311 CM. Never mind, वाला कभी तक कैसे ले जाए? Okay. और यलगार ने imp लगा दिया। कुछ समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है नहीं नहीं एलीट नहीं है एलीट नहीं है बट आर्मर प्रेसर वगैरह है इनके पास सारे वैगन्स क्लियर कर देंगे सारी आर्मर्स क्लियर कर देंगे यू हैव नथिंग टू और ये थोड़ा जज्बाती मूव किया वलक ने सारे कैमल्स भेज दिए कैसल के नीचे और आर्मी उसके पीछे वो कह रहा था वलक कह रहा था लुक मॉम आई एम डूइंग इट एंड वो फिर मार गए चोक होल्ड पे कैमल्स मार रहे हैं ये केमिस्ट्री का... और ब्रेसर वाले कैमल्स हैं वॉर वैगन बिलीव नहीं है बट स्टिल दैट्स इनफ क्या कह रहे थे कार्टून आप मैं कह रहा था एक मॉन्क बनाया फेनोर ने अपने नाइट्स को हील करने के लिए जो कि अब दो रेलिक्स कलेक्ट किए हैं रेलिक्स भी कलेक्ट किए हैं हील भी कर रहा है आई लाइक दैट आइडिया एक्चुअली करना चाहिए बट क्या वो enough है ना गेम जिताने के लिए वी डोंट नो येट सॉर्ट की इको इतनी स्ट्रांग नहीं है 49 विलेजर्स हैं सिर्फ उसने होल्ड तो किया हुआ है बट काफी टाइम बाय किया फियनोर और उसके लिए यलगार के लिए यलगार को स्कम्स बहुत पसंद है उन्होंने एक चीज नोट की और वो दोबारा स्कर्मिशर बना रहा है और इवन सॉर्ट भी एलीट स्कर्मिशर अपग्रेड ले रहा है ओके मे बी वो कैव आर्चर्स देख के डर गए हालांकि सामने वाले एक तो कैमल खेल रहा है दूसरा नाइट्स खेल रहा है आई एम एक्चुअली वंडरिंग वलक का क्या रोल है इस गेम में आई हैव सीन नो अग्रेशन फ्रॉम हिम व्हाटसोएवर बट ये भी देखो ना वलक ने रापे को भी होल्ड रखा है काफी टाइम तक जो कि पोटेंशियली स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था उनकी टीम सो सिर्फ राफे रहता है इन क्लिक करने के लिए एंड उसके पास इको नहीं है अभी
और हसार अपग्रेड आ गई कमर के सुल्तान भाई की, क्या बात है। हसार इधर आई थिंक किलर मूव है, बट जलकार ने पाइक अपग्रेड क्यों कर दी। वालक रैम बना रहा है, हाथ ही नहीं डाल रहा है। फार्मिंग इकोनॉमी चेक करो, होली शिट 78 पाउंड्स फॉर शार्क। नेवर माइंड दैट इज अ नंबर, या आई वाज लाइक व्हाट द फक, बट नजर बहुत आ रहे हैं फार्म्स असल में। 4x4 है एक्चुअली, ये लोग आ रहे हैं स्काउट्स पे इधर आए, वो भी रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड मॉनेस्ट्री पड़ी है, बट लगी नहीं भाई, मेटल की काफ़ी बड़ी फाइट हो रही है, मैंने मिस कर दिया अपेरेंटली। एंड राफा ने काफ़ी ज़्यादा नाइट नंबर्स लूज किए हैं इस चक्कर में, और राफे कभी भी इंपीरियल एज नहीं जा सकता, लाइक नॉट एनी टाइम सून। उसको आइडल करना पड़ेगा, जो कर रहा है हाँ वो कर रहा है, उसको बस गोल चाहिए। अपेरेंटली वलक पोसो और हेवी प्लाव ले रहा है, बट वलक के 50 फार्मर्स हैं और 700 कोल्ड है, अगर वो थोड़ा सा भी आइडल करे तो वापस कर सकता है। वो इतनी देर 50 फार्मर्स हॉर्स कॉलर के साथ रख के बैठा था। Oh my god, that hurts. Score difference काफी शो हो रहा है Eagles versus Ninjas में। Apparently 1000 का score lead दे दिया है Eagles ने, क्योंकि trades अच्छी ले रहे हैं जरे आपकी team जो। But military number देखो तो 97 versus 91, बहुत close end तक। और के बेस में रेड भी शुरू हो गई है। ये फाइट जो भी जीता ना, लेट्स से ईगल से फाइट जीती तो गेम स्नोबॉल शुरू हो गया, स्नोबॉल शुरू हो गया। मिलिट्री नंबर भी देखो ना, 108 वर्सेस 64। और वलक सुल्तान भाई को रिसोर्सेज भी सेंड कर रहे हैं। नाइस नाइस, और ये कैसे लेज में पुश कर रहा है वलक, उसने काफी अटेम्प मैं एम क्लिक कर चुकी है, और फिर और अपनी आखिरी सन से लेने पर मजबूर। आई थिंक इट्स जीजी, यस बहुत प्यारी गेम की है टीम ओरिजिनल ने। या वाले का पीपी देखो सही कह रहे, और वो ट्रेड कर रहे हैं, सोर्ड ट्रेड कर रहे हैं आप देख सकते हो स्कोट्रा में, क्योंकि गोल्ड जो है वो सारे पोजीशन वालक ने कैसे लगाए हैं। ट्रेड इज द ओनली जी जी इज कॉल जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग गेम हमें देखने को मिली है स्कोट्रा पे, मैं तो एटलीस्ट फॉर मी, आई डोंट नो फॉर अदर्स। सो यहाँ पे गेम वन सेट वन कंक्लूड होता है, अभी अगला कोई सेट है कार्टून्स? नो अभी इसकी थर्ड गेम होगी, नहीं 2-0 है, 2-0 बट पॉइंट बेस सिस्टम है, तीनों गेम्स तो गेम्स सारी खेली जाएंगी। ओके आई मीन दैट्स काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग के आप 2-0 एंड यू स्टिल हैव टू प्ले टू सरवाइव। या बट आपको पॉइंट मिलेगा, लाइक इन्हें वो पॉइंट नजर आ रहा है एक, वो फर्दर इन्हें हेल्प कर सकता है अगले मैचेस में। इफ अगले वो तीनों मैचेस जीते हैं और ये पॉइंट्स जीत जाते हैं तो प्लस 12 पॉइंट्स हो के मे बी सेमीफाइनल पहुंच सके। सो आई एम गेसिंग अब अरीना आएगा, अरीना आएगा अगला मैप आई एम गेसिंग। यस एंड बचती हैं इटालियंस ट्यूटर्स और बर्गंडियंस। या और अरीना में वर्सेस हंस वियतनामीज और अरीना, बट कोई ऑप्शन नहीं है बस वियतनामीज हंस एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस
हाँ ह्यूमंस में भी उनको गेम जिता दे, बट पोस्ट गेम प्लेड गेम आई डोंट थिंक ईगल सर्वाइव कर सकेंगे। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। हाँ बट उनकी शिप्स भी इतनी बुरी नहीं है देखा जाए। बर्गंडियंस, इटालियंस, जेनुइस क्रॉसबोमैन जो है बहुत अच्छी यूनिट है। और आखिरी सिर्फ कौन सी इनकी रह गई? वियटनामीज हंस और क्यूमंस वर्सेस बर्गंडियंस, ट्यूटन्स एंड इटालियंस। आई मीन लास्ट मैप में हम देखें अगर तो निंजास के लिए काफ़ी अच्छी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट बैक की है एंड उस चीज़ ने काफ़ी ड्रेन किया होगा। बट जो मेन चीज़ थी मेरे हिसाब से, हेलो, ओके, अपेरेंटली मेरा माइक नहीं चल रहा था साज। सैज इंडीड। असल में स्ट्रीम लैब शिट मिनिमाइज करता हूँ तो इश्यूज होते हैं। सो मैं ये कह रहा था पेट्रोल के नाम के, काफ़ी अच्छी फाइट ट्यूटर बैक कर ली थी निंजाज एंड ने पिछली गेम में एंड काफ़ी उनको स्ट्रगल करनी पड़ी गेम को के अंदर रहने के लिए। डू यू थिंक उसकी वजह पर्शियंस थी? क्योंकि अगर फियनोर लेम ना करता एंड वो फोकस ना करता डूर से बचने के लिए, तो वो खुद पे फोकस करके अप जा सकता था जल्दी। और मैं नीचे कहता सुल्तान सुल्तान भाई भाई ये वगैरह गलत है। लड़ाई में मसरूफ हैं कि वो कह रहे हैं हम मैप पिक करेंगे इवन दे वॉन्ट, व्हाट व्हाई? दे सेड दे वॉन्ट, सो लास्ट मैप उनको आना चाहिए। डजंट वर्क दैट वे आई गेस। यस और डेकेड, हमेशा तो लूजर एक बना एक एक पाता। काम कर लो ना, कार्टून्स एज एडमिन, इफ आई वर एडमिन मैं बताऊँ क्या करता। मैं कहता ठीक है आप सुल्तान भाई आप अपना मैप चलाएं बट पॉइंट उनके पास जाएगा फ्री का। नीचे देन अगेन मैं एडमिन नहीं हूँ, ये आपका हैवी नहीं, डिसीजन है। मैं उनको कह के आ गया, मैंने कहा डेकेड से बस पूछ लो, बट रूल यही था कि जो हर एक वहीं पिक हाँ हाँ करेगा यही रूल मैप। होता है, लाइक हमेशा लूजर को फेवर दी जाती है अगले मैच में। उस टीम में सुल्तान भाई और वाले कह रहे हैं कि नो वी हैव टू पिक, वी वॉन्ट द टोन 2-0। दे हैव टू ट्राई हार्डर मैन, इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर, खुद ही कहते हैं सुल्तान। सिर्फ चेक कर भाई, ट्यूटन, बर्गंडियन एंड इटालियंस लाइक सो अरीना किलर पे किए हुए व्हाट ये डू यू अरीना पे, थिंक बेस्ट सेव्स हैं ये इन माय ओपिनियन अरीना की। शुड विन, राइट? दूसरी साइड पे क्यूमंस और वियतनामीज तो अच्छी सेव्स हैं, बट हांस नॉट सो मच। टू जेनोइस क्रॉसबो किल हंस डार्कन्स। इंटरेस्टिंग। या आई डोंट थिंक इनको हारना चाहिए निंजास को अपने क्लाउन मैप में। उसूलन सॉरी पुश टू टॉक ऑफ था, आई डोंट थिंक निंजास को अपना मैप हारना चाहिए अरीनास, क्योंकि सिव वाइज उनको एडवांटेज है, राइट? शुड बी एन इजी विन, नहीं पेट्रोल? ओके अपेरेंटली मेरे को कास्टर ने मुझे अकेला छोड़ के खुद से चले गए हैं। हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स अप? हेलो, व्हाट्स अप, क्या सीन है? चल रही है गेम उनकी, अरीना ही 80 डेज चलेगी। अराउंड द वर्ल्ड हो गया तेरा? हाँ ओके स्टार्ट हो गई गेम एक्चुअली, व्हाट? लेट मी सी। नहीं आई डोंट थिंक स्टार्ट हुई है, अगर बहसें चल रही हैं तो फिर स्टार्ट तो नहीं होनी चाहिए।
जैपनीज की कभी देखी है?
ओके हशमत भाई आप आ गए। माइक ऑफ। हम लाइव। माइक ऑन। जी हाँ आप भी है लाइव लाइव। हैं। ओ भाई माइक ऑफ। यार, ये तीसरा मैच है। पहले दो मैचों में जो है वो टीम ज़रियाब ने बुन मार दी है, अब तीसरा मैच शुरू हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये इस टाइम जो है ना, शाह को पड़ जाना है ये मैच। और अगर ये शाह को मैच पड़ गया तो शाह की बहुत देनी है। अच्छा, ये जो है फ्लैंक पे हैं यलगार भाई। यलगार भाई ने ट्यूटन्स ली हुई है यस और इनके पॉकेट हैं सॉर्ड। इटालियंस के साथ खेल रहे हैं और दूसरी साइड पे फ्लैंक इनके हैं। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, फिनोर और सॉर्ड जो है फ्लैंक में, फिनोर जो है वो बर्गंडियंस है और पॉकेट इनका यलगार है, इसके पास ट्यूटन्स है। इस तरफ जो है वो फ्लैंक पे है पलक, इसके पास वेतनमीज है। और इनके जो पॉकेट है वो है दरिया भाई, वो क्यूमन्स के साथ क्यूमन बूम करेंगे। और इनका जो सबसे एल प्लेयर है शाह, वो हंस, जो वो भैंड चोद मुझे बातें छोड़ता रहता था, उसने हंस ले लिया है अरीना के ऊपर। ओ माय गॉड, इनकी बुंड होने लगी है भाई। शाह, तो शाह साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं? शाह साहब डियर वगैरह लेके आ रहे हैं। यार ये शाह भी चलते हैं। हाँ, शाह डियर शेयर लेके आ रहा है। इसका विलेजर मर सकता है, इसका विलेजर से क्या मारी जाता है बैंक। शिट। अच्छा, टीम मेरा ख्याल है रुकी है। फिलहाल टीम रुकी फिलहाल मेरा को कास्टर मेरा ख्याल है सो गया है। फैजान, इस टीम पे चल पड़ी है। सो वो ही एज यूजुअल, सारे अपनी बैंड जो दो शोर लेके आ रहे हैं, डियर ल्योर कर रहे हैं। वुड पे चार बंदे भेज दिए हैं। वही बकवास है, कोई नई चीज इनको आती नहीं है। अच्छा जी, 17 17 18 16 18 17। पलक का फॉर सम रीजन विलेजर कम है बाकी सबसे। मेरे ख्याल इसको टीसी आइडल टाइम मिला है या क्या सीन है, या कोई वियतनामी इसकी फुतू चीज होगी जो मुझे नहीं पता। आई डोंट केयर। अच्छा जी, देखा ये जा सकता है कि ये सुल्तान का विलेजर मरेगा, ये इंशाल्लाह मरेगा। नहीं यार, बच गया। इत्तेदा भाई, आपके साथ कास्टिंग के लिए मैं भी आ गया हूँ। ठीक है, तो हम गुड दोनों यार, बैठे हैं टेक कास्टिंग। इट वेलकम। मैंने कहा अकेले कास्टिंग का आपको मजा नहीं आ रहा होगा। टेक इट, ये वियतनामीज के विलेजर क्यों कम है? चल खैर, वियतनामीज के विलेजर, अगर आइडल टीसी देखा जाए तो 47 है, इस वजह से उसके विलेजर कम है। उसका टीसी आइडल रहा है कुछ 47 मिनट्स सेकंड्स तक, तो आई गेस ऑलमोस्ट वो 1.5 विलेजर पीछे है। बोले मेरा ख्याल है बलक जो है ना, वो कोच बन गया, इसकी रिस्ट मोड़ गई है और स्लो हो गया। और आई थिंक दूसरे इस टीम के अंदर जरे आपका भी आइडल टीसी बहुत ज्यादा है, 28 सेकंड्स पूरे, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो जो उनका है ना गडरिया शाह, उसका आइडल टीसी सबसे कम है। फिनोर का भी 4 सेकंड्स है और यलकार का भी 5 सेकंड्स है। तो आई गेस फैजान की स्ट्रीम रुक गई है। चलो कोई नहीं, हम स्टैट वैसे भी बता सकते हैं ऊपर से देख के, बट मेरा ख्याल है कि ये मैच जो है ना, इनको जीतना चाहिए ये यलगार पार्टी। ओके, स्ट्रीम्स आ गई वापस। ये आई थिंक आप, सजाब मैं अगर स्टेप्स वगैरह को देखूं। दरियाब जो है वो काफी हैवी वुड पे था, बट बिकॉज यस, इसमें दूसरा टीसी जो डालना था, ह्यूमन बूम जो उसने करना था, इसलिए उसने करा था। टेकेट यू देयर? टेकेट चला क्यों गया? टेकेट और मुझे नीचे से कास्टर्स ने बुला लिया था, स्पेक्टर्स ने दोबारा बुला लिया था। वो कह रहे थे कि इज्जत भाई अकेले बहुत ही अच्छे अंदाज में कास्टिंग कर रहे थे, वो अंदाज इधर बरकरार रखा जाए।
तो भाई नहीं, ये मैं अकेले फॉर्मल हो गए थे, कह रहे थे बहुत फॉर्मल हो गए, उनसे कहो इनफॉर्मल हो जाए दोबारा। नहीं नहीं मैं इनफॉर्मल ही हूँ, मैं अकेले फोन लेता रहूंगा, बाद में स्त्री मेरे लेंगे। अच्छा ये जो है शाह को देखो ना, इसने स्पीड पकड़ी होती है बगैर, तो बेचारा सबसे पहले चला गया ये फ्यूडल में। ये शाह साहब का मैक्रो तो बहुत अच्छा है इस जगह पे। अब देखने वाली चीज ये है कि दोनों साइडों से क्या चलेगा। ये पेश हो गया, ये सॉर्ड ने अपना कोच की तरह पेश कर दी है स्काउट। अगर फैजान हमें दिखाए कि सॉर्ड स्टोन पे है कि नहीं, और सॉर्ड स्टोन पे जा रहा है, मतलब तो यार ये सॉर्ड अच्छा कर रहा है। सॉर्ड अगर कसल ड्रॉप कर देना शाह के ऊपर और थोड़ी सी आर्मी बना के क्रैशन करे तो मेरा हाल उनका जीती हो जाएगा। हाँ, शाह पे कैसल ड्रॉप होगा और इटालियंस का आई गेस फास्ट टेम्प होगा जो कि काफी अच्छा रहता है, और हंस का कंप्लीट काउंटर है इटालियंस। अगर आप देखें ये शाह के विलेजर अगर आइडल खड़े रहे ना, कितना मजा है, कितना मजा है। अच्छा शाह भी स्टोन पे डाल रहे हैं, ये प्रोबेबली डिफेंसिव कैसल डालने के लिए स्टोन पे चला गया है। आपको पता है तो ये गडरिया, इसको पैंटो डिजाइन तो इसको सारी पता होती है बगैर। अच्छा मेरे ख्याल से ना पता क्या, फैजान तो खेल नहीं रहा, फिर कंपलसरी पॉज क्यों हो गई है? मेरे ख्याल से सॉर्ड पता है क्या करने वाला है, वो ऑल इन कैसल ड्रॉप जाएगा, और अगर इटालियंस के जेनोवीज आ गए तो हंस के पास क्या काउंटर है, उसका कोई काउंटर भी नहीं है। वो कैवाचस को काउंटर करते हैं, वो नाइट्स को काउंटर करते हैं। नहीं पता ये सॉर्ड के जो विलेजर इसने ज़ूम इन किए हैं, जरा दोबारा ज़ूम इन करें, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया क्योंकि उसकी शक्ल उस इस तरफ है, अगर उस तरफ हुई होती तो ये मेरा ख्याल है फैजान उसकी डुबी देखना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, ह्यूमन के दो टीसी, मैंने कहा पेंटल्स के दो टीसी कहां से आ गए। ओके तो अगर विल काउंट देखी जाए सबसे आगे यलगार भाई हैं। नहीं, अगर आइडल टीसी देखे तो जरा ज़रियाब साहब का पूरा एक मिनट आइडल टीसी, पूरा एक मिनट उस ज़रियाब साहब बैंड जो क्यूमन बूम के चक्रों में ना मैक्रो उनका स्लिप हो गया। लेकिन दो टीसी हैं तो विल लीड हो तो हो ही जाएगी किसी तरह। हाँ, वो आगे तो देखें तो फिर सबसे कम आइडल टाइम राफे भाई का है, उसके बाद शाह साहब का, और फिर वलक का है। नहीं वलक सेकंड हाईएस्ट है यार, ये शाह को जो है ना इनको मारना चाहिए। मेरा तो ख्याल है यलगार भी जो है ना एक कैसल ड्रॉप करते शाह के ऊपर। नहीं मैं सेम कह रहा हूँ। हाँ नहीं मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, सिव्स के लिहाज से अगर देखें ना तो राफे भाई वाली टीम के अंदर जो क्यूटन और इटालियंस की पिक है वो काउंटर करती है शाह और ओरिजिनल को, लेकिन यहाँ पे आखिरी है ना यहाँ पे डेकेड ये जो है ना शॉट, इसको नहीं अब स्टोन पे जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 30 सेकंड्स बाद शाह जो है वो कैसल एज में होगा और ये लेट हो गया तो नहीं आई गेस कैसल तो बन जाएगा आई गेस। अब देखने वाली चीज ये है कि अगर फैजान दिखाए कि ज़रियाब कहीं फ्यूडल स्काउट तो नहीं जा रहा ह्यूमंस के साथ जो कि काफी कॉमन स्ट्रेट है, नहीं गया नहीं 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 वो, बट मसला ये है ना कि ये गडरिया पहले चला जाएगा कैसल एज। मजा तो आता अगर ये शॉट जो है कैसल एज में पहले जाता और जाके उसके मुंह पे उसकी पैंट टूई के ऊपर जो है ना जाके कैसल ड्रॉप करता। देखे मेरी बात सुने, हो ये रहा है कि इधर जो सुल्तान भाई है उन्होंने लगा देने दो टीसी, ठीक है ना, लगा दिया वो भाई, उन्होंने लगा देने टीसी, ठीक है, और फिर जब होगा ना कैसल ड्रॉप ना होगा उनके पास स्टोन, ठीक है, जैसे वो स्टोन पे हैं अभी और इन नॉट एनी फॉर्म ऑफ कह लो डिफेंस हो गए, अभी देखने की बात ये है कि शॉट कब बैठता है, शॉट आर्चर क्यों बना रहे, सवाल मेरा ये है। वाह शॉट आर्चर बना रहे क्यों, पता नहीं शॉट ने कोई नई चीज सीखी है। फ्यूडल आर्चर ये क्या है, ये फ्यूडल आर्चर नहीं है, डेकेट आप उनको रीड नहीं कर रहे हैं सही, वो देखें कैसे ले जाने लगा है फ्यूडल आर्चर, अभी फ्यूडल है, अभी तो फ्यूडल ही है ना, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि एरिना पे फ्यूडल आर्चर्स, पता है क्या मसला है, वो आई गेस इस शायद इस वजह से बना रहा है कि उसे लग रहा है कि फ्यूडल स्काउट्स या इस तरह की कोई चीज आ जाएगी, लेकिन डोंट नो फ्यूडल स्काउट्स के लिए फ्यूडल आर्चर्स तो नहीं बनाए जाते ना, मतलब टैक्टिक आपको क्या हो गया कहीं आप पक्के तो नहीं लगा रहे। देखें साथ साथ स्पीयर्स भी बनाए हुए हैं उसने, अगर आप गौर से देखें सॉर्ड के स्पीयर्स भी हैं साथ,
तो उसने अब और कोई चीज सेंस नहीं बनती। अब मुझे बताएं इसके अलावा वो क्या अटैक करने नहीं, वो मैं आपको बताता हूं पैकेट आप थोड़ा सा वापस आए गेम में। बेसिकली वो कैसल ड्रॉप करना चाह रहा है, उसने देख लिया है कि जो इसने डिफेंसिव कैसल डाल दिया। मुझे ही तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि सॉर्ड इधर क्या प्ले करना चाहता है। सॉर्ड मैनचू, मुझे तो लगता है सॉर्ड अपने सेंसेस में, और ये सुल्तान का तीसरा टीसी, ओ भाई ये बहुत बूम करेगा। और दरियाब का भी बहुत बूम हो चुका है भैया, उधर उसने भी यलगार ने भी तीन टीसी लगा लिए हैं। लेकिन विल काउंट देखें ना जरा आप, तो इनकी टीम में सॉर्ड काफी पीछे रह गया विल काउंट में। हां विल काउंट में पीछे रह गया, ठीक है ओके। कलेक्टिव 114 विल है और इनके 95 विल, बिल्कुल ठीक है। बट ये है कि देखो ना, तीन टीसी चौथा टीसी यलगार ने लगा लिया है, अल्टीमेटली ये काउंट अपना इंक्रीज कर लेंगे। ऑन द अदर साइड ज़रिया साहब अपग्रेड, फिनोर ने कैवेलियर अपग्रेड लिया, आपने देखा? हाँ नॉर्मल, ठीक है आप उसको लेने दें, कोई इशू नहीं। ये इसकी कैसल एज में जाते हैं ना कैवेलियर। सुल्तान के पास इसका कोई काउंटर है ना, फिलहाल ओरिजिनल के पास भी काउंटर है। इसको काउंटर करने के लिए दूसरी साइड से वियतनामीज के रटन या कर्मिशत मंगवाने पड़ेंगे। ये जो है अभी भी स्टोन पे है, अगर इसे एक और कैसल डालना है काफी, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही सॉर्ड की बिल्ड की एक्चुअली कि करना क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने क्रॉसबोन बनाए थे तो, अगर देखें कैसल में जा रहे थे तो पता नहीं, डोंट नो, इसको बूम करना चाहिए, ये क्यों वीआर में बता रहा है। और जैद नीचे कह रहे हैं चैट में कि हशमत भाई ऑन फायर। ओ भाई मेरा बट आ गया, अब मेरा पर्सनल खैर इज्जत भाई क्या। मैंने कहा आपके टीममेट है। मेरा वैसे तो परफेक्ट स्प्लिट है ना डिस्कॉर्ड पे, तो मेरा परफेक्ट स्प्लिट रह ही है, और कौन है वैसे। आपसे पूछ ही लेते हैं आपका क्या ख्याल है, जो आपका मैच होगा आप क्या करेंगे, आपकी टीम कौन कैरी करेगा? भैया मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इसे बताना नहीं चाहिए ठीक है, बट जो हमारी प्लानिंग है ना, हमने अगले को हराना नहीं है, हमने अगले की बोन मार दी। मैं आपको ऑनेस्टली हम अगले को जो है ना बिल्कुल खत्म कर देंगे। साथ रेलिक लेने का फायदा ये है कि साथ साथ फूड भी मिलता है, जितना गोल्ड मिलता है बड़ा फायदा होता है। एक रेलिक से आपको ऑलमोस्ट तीन या चार विलेजेस के रिसोर्सेस मिलते हैं, वो भी अनलिमिटेड। अच्छा नाइस, ये जो है ना जो सॉर्ड के चार आर्चर गए हैं, ये मेरा ख्याल है एंड तक इन्होंने कुछ करना नहीं है मेरे ख्याल। ये फिजान इन चार आर्चर्स को ज़ूम इन करके बताया ना, तो मैं आपको बताऊंगा ये चार आर्चर्स कौन कौन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पीछे खड़ा है पाइक मैन, ये सुल्तान है। और ये सुल्तान के आगे जो है ना चार शाखे हैं, एक इनमें ज़रियाब है, एक इनमें पेट्रल है, एक इनमें जैद भाई है, और ये जो है ना ये राइट वाला पोस्ट, ये कोच है। इन चारों को ना अगर मारना है ना, तो इनके ऊपर एक मैगनल शॉट आ जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। वो मैगनल कौन कंट्रोल करेगा? ये मैगनल तो फिर मैं ही कंट्रोल करूंगा इन चारों को मारने। ये फिनोर को देखना चाहिए कि एक मासी टाइप बाबा जो है ना, इसका भी जा रहा है, वलक का भी जा रहा है, वो लेने रेलिक लेने, तो ये इसको मार दो। इसलिए कहते हैं आपको एरिया की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको एरिया की अवेयरनेस नहीं है तो आप काम ठीक नहीं कर रहे। आपके शाह साहब की अवेयरनेस के बारे में क्या कहना है? यार जो शाह अभी अच्छी गेम कर रहा है, देखो ना शाह जूतियों की तरह टीसी पे टीसी लगा रहा है, तो फिर कुछ भी बना रहा है।
अच्छा अगर आप देखें कि जलगार ने आई थिंक इन क्लिक कर दिया। ओ भाई जलगार बहुत गर्म थे। स्ट्रीम रुकी हुई है मेरे लिए लेकिन आई थिंक उसने क्लिक किया। ह्यूमंस ने भी तो इन क्लिक किया हुआ है ना। ह्यूमंस भी तो इन में है। ओ यस ह्यूमन इज आल्सो इन फिनोर नंबर में देखें अगर विल नंबर देखें जरा डिफरेंस कितना है टीम्स के दरमियान। फिनोर बेशक 75 विलेजर्स पे है मतलब 5 विलेजर्स वलक से कम है लेकिन ये याद रखिए कि उसके पास अगर रेलिक नंबर दिखा दो फिजान के कितने फिनोर के पास 3 रेलिक्स है दैट मींस कि उसके पास अभी कोई 9 एक्स्ट्रा विलेजर्स इन रेलिक की फॉर्म में ऑलमोस्ट तो ये काफी बड़ा बफ है उसके पास अभी जो अनलिमिटेड गोल्ड देंगे जिनकी को आइडल भी अच्छा नहीं अच्छा वो कैसे लेक लगा रहा है अपनी बेस के बाहर उससे कहा ज्यादा शोरा नहीं दिखाना बस थोड़ा सा दूर लगा लेते नहीं तो अगर पहले लगा लिया सुल्तान के मैंने देखा कि सॉर्ड के अभी बूम वगैरह उस तरह आई गेस खास नहीं गया लेकिन अगर आई थिंक वो किसी तरह से इंप में पहुंच के एलीट जेनोवीज मैस कर लेता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ये शाह साहब के लिए और ओरिजिनल के लिए खास तौर पे शाह के लिए क्योंकि उसके पास तो ओनिजर भी नहीं है सिर्फ मैंने ये जो है इसके 3 पीसी लगे हुए हैं लेकिन ये विलेजर्स क्यों नहीं बना रहा दो डीसी से बन रहे हैं विलेजर फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ आई गेस वो आइडल कर रहा है अब जाने के लिए आई थिंक वो जा सकता है अभी थोड़ी देर में इटालियंस को वैसे भी कम फूड और गोल्ड चाहिए होता है अब जाने के लिए नहीं आई गेस उसने दोबारा सारे विलेजर क्यू में लगा दिए हैं स्वॉर्ड ने तो आई गेस वो आइडल वैसे ही हुए हुए थे वो उसने इंटेंशनली आइडल नहीं किया था किसी को बोले मेरा ख्याल है बहुत ग्रीडी खेल रहा है बहुत ज्यादा जो विलेजर इसने लगाया है अगर आप डिफरेंस देखें यहां पे ये कन्वर्ट हो सकता है नहीं अगर आप एक डिफरेंस देखें एक तरफ से कैवेलियर आ गए हैं और दूसरी तरफ से पालादिन आ रहे हैं ह्यूमंस के जरियात के और माशाल्लाह से जरियात साहब बिल्कुल 82 विलेजर्स के साथ पालादिन ले रहे हैं मतलब उनका जो क्लासिक सीन है के इको जाए भाड़ में आर्मी होनी चाहिए बस हाँ ये आपको इस चीज़ का काफ़ी ये अप लगा दी है शॉर्ट ने शॉर्ट ने भाई जान अप लगा दी और पीछे सिर्फ हमारे पास रह जाते हैं कोई भी नहीं रह जाता सब इम पे है जितना मैंने आपको बताया ये चारों अभी तक गेट तोड़ रहे हैं ये चारों से गेट ये चारों का किधर गया किधर गया इधर वो तो चला गया इनको ऑर्डर देके लेकिन सबसे पहले कोच मरेगा कैसल के करीब कोच है शाह के कैसल से कोच मरेगा भाई कोच मर गया भाई बैटल गया ओ भाई जैद भाई गए ओ भाई ये अरे आप साहब भी गए शिट और इस तरह सुल्तान की सारी टीम मर गई सुल्तान पहले मर गया था अच्छा ये जो है रटन ये रटन आर्चर है ना नहीं नहीं ये जेनुइन है और जो वलक बना रहा है वो आई गेस रटन होंगे अच्छा सुल्तान साहब ने सीए मैच करना शुरू कर दिया इसके पास कितना सीए बड़ा गंदा मरेंगे सीए बहुत बुरा मरेंगे क्योंकि उसके पास बैलिस्टिक भी है गॉड के पास और आर्मर भी है और अगर अब ये आई थिंक अभी मूव आउट नहीं करना चाहिए सॉर्ड को अपनी सिप के साथ खास तौर पे और ट्यूटन्स के पालाडिन आ रहे हैं जलगार के बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है आर्मी नंबर का डिफरेंस देखें 18 to 18 है पॉकेट्स का और फिनोर ने फ्लैंक से पालाडिन ले लिए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और दो पीटार्ड्स आ रहे हैं फिनोर के जो 2 सेकंड में वॉल बस करके बस काम करने वाले हैं लेकिन ये दोनों कहाँ जा रहे हैं दोनों लैदा लैदा हो गए हैं ये कौन है आप मुझे ये बताना चाहेंगे कुछ ये पीटार्ड हाँ ये पीटार्ड ये जो मर गया है ये वो था पेट्रोल था और ये जो दूसरा मरा है ये कोच था भाई जान मैंने आपको बताया जो नेगेटिविटी है ना पूरी गेम में वो ये कोच पेट्रोल सुल्तान ये लोग जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं सही अब ये टोनिक नाइट जो है ये बैठ के सिर्फ मुजरा देख रहे हैं भाई पेंचो लड़ लो तुम जो लड़ना चाहिए और अगर ये घटिया फिनोर ने कन्वर्ट कर लिया है पालाडिन ने और आई गेस वो होल्ड अप कर लेगा भजन दो कन्वर्ट हुए दो थे इधर यहां पे बाबे चेहरे ये फिनोर की रेलिक की यार बड़ी मजेदार बात है कि इसका फूड बड़ा बढ़ रहा है फॉर नो रीजन आप फिनोर की बात कर रहे हैं
और वलक भाई भी दो एक रेलिक्स ले चुके हैं। अच्छा ये वलक के लिए काफी खतरनाक होता है और ये वलक के लिए भी और इनके लिए भी खतरनाक है। अब सोचने वाली बात ये है कि सुल्तान साहब क्या बनाएंगे ऊपर से, वो सीए बना रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं, ये बहुत गलत जीना है, ये जो है ना जीनोसी सीएस को बहुत मारेंगे और ये बहुत गलत यूनिट है जहाँ तक मेरा पर्सनल ख्याल है, ये बहुत ही गलत यूनिट है। और ये वलक का एक वो खोल सकता है गेट, अभी जो है ना वलक चीख रहा होगा कि भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, और सुल्तान अभी भी ग्रीडी ग्रीडीपन में सिर्फ बूम कर रहा है। अगर फिजान हमें दिखाए, यलगार ने भी बहुत बूम किया यार, 138 विलेजर, और जरियात ने 100 के बाद आई थिंक विलेजर बनाने ही छोड़ दिए, सेंचुरी मारी है फिजान। अगर तुम खादों के इलीट जनवरीज आए हैं कि नहीं आए शॉट के पास, आर्मी वैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, नेवर माइंड आ रहे हैं। और अगर शॉट जनवरीज इलीट के बाद फाइट लेता है ना ये, जो परफेक्ट फाइट उसके लिए जाएगी, अभी बहुत गंदी फाइट है, नहीं लेनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है शॉट से, ये वाली अभी इलीट की अपग्रेड आने वाली है अभी। शॉट समझ गया, ओ भाई समझो ना, ओ भाई पीछे रह भाई, अब उधर से काम हो गया जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसको कोई काउंटर नहीं नजर आ रहा मुझे। चलो चले तो हम देखते हैं कि क्या है, आप जस्ट क्या बात कर रहे हैं, 139, 95, 120 यार बड़े विलेजर बनाते हैं लोग, 130 सुल्तान ने बड़े विलेजर बनाए हैं। मुझे लग रहा है इस टीम के अंदर काफ़ी बुरे हालात हैं शाह साहब की टीम के, मुझे लग रहा है कि 2-1 होने वाला है। अरे यार 2-1 का फायदा नहीं ना, या तो वो जीतते ना, देखें पॉइंट सिस्टम है, एवरी पॉइंट मैटर्स, तो अगर आज वो एक पॉइंट इधर से लेते हैं ना तो हो सकता है एक पॉइंट की वजह से वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अच्छा ये वलक का तो जीजी हो गया ना, ये जलगार को क्रेडिट देना पड़ेगा और राफे को भी इस गेम के अंदर, उन्होंने काफ़ी अच्छा, जलगार ने तो काफ़ी से बहुत अच्छा बूम किया और उसके पालाडिन देखें अब हर बंदे को डैमेज दे रहे हैं, लेकिन यार ये इसके नंबर कम है। अच्छा लेकिन सुल्तान की आर्मी क्लियर हो रही है, व्यूअर्स के लिए भी और हम सब के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, सुल्तान का नंबर कम हो रहा है। और जैसे ही राफे ज़रियाब की तरफ जाएगा तो गेम खत्म हो जाएगी उधर ही, और आई थिंक ज़रियाब के अपने भी हालात कुछ इतने खास नहीं है, मैं कहूँ कि वो कुछ कर सकते हैं अभी, लेकिन शाह ने कुछ भी नहीं किया सिवाय बूम के, ये बूम इनटू जीजी हो गए। आई थिंक शाह साहब को अपने कैब आर्चर्स थोड़ी उस तरफ ही करवा देनी चाहिए कि कुछ उधर से ही हो जाए, इधर से तो कुछ नहीं होना, इटालियन के जनवरीज में जाना अपना सर दीवार में मारने के बराबर ही है। ये वलक के वलक के अंदर कोच की रूह नजर आ रही है, जिस तरह उसने पेश किया ना अपनी बेस, मुझे लग रहा था ये कोच है। आप क्या कहेंगे डेकेट इस बारे में? कोच बिल्कुल इसी तरह पेश कराता है अपना सब कुछ। इसको मारना बहुत मुश्किल है उनके लिए, और जलगार के नाइट पीछे क्यों जा रहे हैं, व्हाई बैक साइड पे क्यों जा रहे हैं, आगे आना चाहिए, लेकिन आई गेस फिर भी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं कर सकता इधर का। और जीजी कॉल ये आलम हो गया वलक की तरफ से कि उसे अपनी टीसी की बैग अपनी बेस के बैक साइड पे कैसल लगाना पड़ रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यार जीजी कॉल होनी चाहिए,
हाँ वलक के 32 विलेजर हैं, आई थिंक इट्स प्रीटी मच ओवर। और अगर आप देखें फ्यूनोर फुल पॉप है, और अगर आप फ्यूनोर के रिसोर्सेज देखें ज़रा एक सेकेंड, अगर हमें फैजान दिखाए तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ बैंक होना चाहिए फ्यूनोर के पास, फिर हम देख सकते हैं। ओके वो देखें ज़रा फ्यूनोर के रिसोर्सेज, तो आई गेस उसने गोल्ड यूज़ किया है। और अगर आप अभी देखें तो सुल्तान भाई की बेस के अंदर जाने लगे हैं कैवेलियर, और आपका इज्जत भाई में क्या कहना है आपका इस बारे में, कोई कमेंट्स? हाँ हाँ कमेंट्स ये हैं कि बोल मारो सुल्तान, सारे मिलके मारो, जितनी ज़्यादा मार सकते उतनी मार, इसमें तो कोई डाउट। सेवन पेज कह रहा है हशमत कर्स कास्टर पर सुल्तान टीम, बल्कि पेट्रोल कह रहा है एक्चुअली भाई। मैं अपने रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये टीम आपके अगेंस्ट आए तो सिर्फ सुल्तान की बुन मारो, बस बेशक हार जो नहीं, फिर सिर्फ हशमत से कास्टिंग कराएं भजन। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें ना ब्लू की बेस कैसे साफ हो रही है। और ये अभी तक प्रवीसे नहीं था, प्रवीसे आने के बाद आर्चस का आर्मर और भी ज्यादा हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी जीतने की वो भी खत्म हो जाएंगी। जलगार ने काफी अच्छे टाइम पे ट्यूटन के हालबडियर में स्विच कर लिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट यार आप फिनोर के इस टाइम रिसोर्स देखें इसके पास, आप गोल्ड ये देखें, ये इस जगह पे वो गैलिक वाला गोल्ड नजर आता है। आप गोल्ड देखें 1500 गोल्ड, 5800 फूड। मैंने शान है भी वो गोल्ड पे ना, ये बैंट्रीज ने बाद में टूई पे लेना है, तो भाई इसको यूज करो 2000 गोल्ड। एक्चुअली मसला ये है कि वो उसे यूज करके बनाएंगे क्या, उनके पास आई थिंक सीज रैम बना लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। सीज रैम इज एन ऑप्टिमम चॉइस। और फ्लेमिश रिवॉल्यूशन आई है, फ्लेमिश रिवॉल्यूशन आई है ओ भाई, अगर दिखाया जाए ओ भाई, राफे ने अपनी सारी इको को कन्वर्ट कर लिया विलेजर्स के अंदर। यार उसके पास रेलिक है ना, रेलिक है यार, रेलिक से तो गोल्ड आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रिवॉल्यूशन आएगी, ये तो बस बिल्कुल कह रहे हैं कि जीजी कर दो, गेट आउट ऑफ माय गेम टेक का ये फुल फ्लेक्स चल रहा है। लेकिन अभी सुल्तान कह रहा हूं यार बैट तो मैं क्या करूं, और रेवोल्यूशन के बाद तो मेरे ख्याल से जितनी 200 आर्मी है अभी अगर आप देखें रेवोल्यूशन के बाद फेनोर के पास, उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज अ चांस। और जरा अगर वलक की बेस दिखाएं, फेनोर वलक की टीसी के ऊपर कैसल बना रहे हैं। जी जी कॉल हो चुका है उनका? नहीं ये ऐसी पैनिक की कर रहे हैं, वो जी भी करते हैं हमारा भी है, लेकिन आपको पता है कि जरियाब साहब जी जल्दी नहीं करते। वो नहीं ही आप बैठ क्या करते सुपर मैन है, नहीं लगता मुझे, नहीं लगता है कुछ कर सकते भाई। मैं वो दो गेमें भी जीत सकते थे, ये फिनोर ने थोड़ी सी हल्की गेम खेली है, ये जीत सकते थे आई गेस। मुझे लगा है कि जो राफे भाई का जी हो गया, और 2-1 हो चुका है अपने सेकंड होम मैप पे। टीम ने फिनोर की टीम ने काफ़ी अच्छा खेला है, जो कि रेजिंग रेबल निंजाज हैं आई गेस। अब सोरिंग ईगल्स को भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे और रेबल निंजाज को 1 पॉइंट मिलेंगे, तो पॉइंट टेबल के अंदर अभी लीड के अंदर शाह की टीम जा रही है। आगे देखते हैं क्या चलता है। अरे हम भजन तारों से रिक्वेस्ट है कि जो शाह की टीम के अगेंस्ट आए शाह को मार दो, जीत जाओगे, मेरी दुआ तुम लोगों के साथ है। इतजा भाई के वैसे ही आपके साथ हैं। चले शुक्रिया शुक्रिया।
डेकेड क्या सीन है आगे? नहीं, अगले अगले गेम का क्या करना है सेट का? उनकी स्ट्रैट्स रिवील होने से बच गई. व्हाट डू यू मीन? ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. अब एक काम करते हैं शोएब भाई, पहले पूछ ले 7th पेज पूछ ले, फिर पता चला तो बुलाना शुरू हो जाए तुझे. वलक से पूछ लो भाई, कका पूछने में क्या है? बस मुझे ये बताओ, अगला कोई मैच है कि नहीं है? कार्टून्स? अब क्या सीन है आज के लिए? बस अच्छा, तो एक काम करना, अगर मैच हो जाता है इनके बीच या किसी के बीच तो रिकॉर्डिंग्स रख लेना, फिर मैं वो कल स्ट्रीम कर लूँगा. ठीक है, मैं स्ट्रीम एंड कर लेता हूँ.